आचार्य को नाटककार के रूप में कुछ नजदीकी से जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज जन संवाद के संचालन के लिए श्री ओम थानवी को हमने आमंत्रित किया है और नंदकिशोर जी के परिचय की सारी जिम्मेदारी भी अपने उन्हीं पर छोड़ दी है। ओम जी इन दिनों साहित्य और कलाओं की दुनिया में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक जनसत्ता के संपादक के रूप में लोकप्रिय हैं, पर उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में वर्षों तक रंगकर्म किया है और एक समय वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण पाने के इच्छुक भी थे। वे श्री नंदकिशोर आचार्य को अरसे से जानते हैं, बल्कि उनके पहले नाटक किसी और का सपना का निर्देशन ओम थानवी ने ही किया था। हम उनसे आग्रह करते हैं वे अब श्री नंदकिशोर आचार्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए रंग संवाद की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले मैं श्री भानु भारती से आग्रह करूँ कि वो इन लोगों का फूलों से स्वागत करें। आपने लक्ष्य किया होगा कि इस पूरे प्रसंग में ये राजस्थान के ही दिनों व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे हैं। और मेरे साथ भी लगभग ये मुश्किल, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझको आपने फिर अपने स्वयं में दम जगाने का मौका दिया। और फिर 30 साल पहले आचार्य जी के किसी और का सपना का निर्देशन मैंने किया था, और तब मैं गंभीरता से सोचता था कि मैं थिएटर ही करूँगा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वालों ने चूँकि मुझको खारिज कर दिया, और उस बीच थोड़ी सी किसी ने यह भी सलाह दी कि पत्रकारिता भी कोई बुरा नहीं है, तो मैं बाद में धंधे के फेर में पत्रकारिता में आ गया, तब से मैं थिएटर नहीं करता हूँ। इसलिए मैं तो मैं अपने आप को इसका अधिकारी तो नहीं मानता, लेकिन अगर इसमें थोड़ा औचित्य रश्मि जी ने ये ढूंढ लिया कि मैंने थिएटर किया है और आचार्य जी का पहला नाटक निर्देशित करने का मुझको सौभाग्य मिला, तो मैं सहर्ष मैंने इनकी बात को मान लिया। पर ये अपनी जगह बात सही है कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। बहुत पहले इतने बरस 3 दशक हो गए और अब थिएटर की दुनिया भी इतनी दूर चली आई है, लेकिन आचार्य जी के नाटकों को मैं बहुत गौर से, उनके लिखे हुए भी और उनके लिखे हुए नाटकों को जो खेला गया है उनको मैं गौर से अभी भी देखता हूँ, क्योंकि एक तो संबंध जो मेरा उन छुटपन से ही है, यानी लड़कपन से। आचार्य जी मुझसे काफ़ी बड़े हैं, बल्कि मेरे चाचा जी के दोस्त थे, मेरे पिताजी के भी दोस्त थे और मेरे भी दोस्त हुए, यानी ये इनके व्यक्तित्व की खूबी है कि कभी भी इन्होंने इस तरह का नहीं अनुभव होने दिया। लेकिन जो मैं पत्रकारिता जब सीखने के दौर में था तो मैंने इनसे पत्रकारिता सीखी, और जब मैं थिएटर कर रहा था तो उस वक्त भी कई बातें सीखी। पत्रकारिता तो यह है कि इन्होंने साथ, बस आप लोग जानते होंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में, पर मुझे चूँकि थोड़ा ये जिम्मा दिया गया और कुछ नए लोग हों जिनको नहीं पता हो या थिएटर से ज़्यादा जुड़े हों और बाकी इनके व्यक्तित्व के पहलुओं के बारे में नहीं जानते हों, तो जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे कई लोग हुए हैं जिनमें बहुत प्रतिभाएँ रहीं और एक साथ उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, उनमें आचार्य जी एक हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि कई लोग हुए हैं, ऐसे तो हुए हैं, लेकिन सार्थक काम जिन्होंने कई विधाओं में एक साथ किया है वो लोग थोड़े हुए हैं, और उनमें भी आचार्य जी एक हैं। वाचन जी से, अज्ञेय जी से काफ़ी नज़दीकी रही है आचार्य जी की, और उनकी इनकी वजह से मुझको भी उनके नज़दीक आने का मौका मिला था, और मुझे बरबस उनका ख्याल इसलिए आता है कि वाचन जी कवि भी थे, वाचन जी ने नाटक भी लिखा, वाचन जी उपन्यासकार भी थे, पत्रकार भी थे, यात्री भी थे और कई ऐसे काम करते थे, और इसलिए मुझे अगर उनका ख्याल आता है आचार्य जी की बात करते हुए तो ये बिल्कुल अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि आचार्य जी खूब यात्राओं में दिलचस्पी लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि मतलब जिसमें दिलचस्पी ले उसमें वो हर विधा में लिखे ही, पर मुझे थोड़ी शिकायत है कि यात्रा संस्मरण उन्होंने कम लिखे हैं,
लेकिन जिस चीज़ में लुत्फ आता हो, अगर कोई अच्छा खान पान में दिलचस्पी ले, वो जरूरी तौर पर पाकशास्त्र का समीक्षक भी हो, तो ये उसके साथ में ज्यादती भी हो सकती है। लेकिन अगर बाकी विधाओं की बात करें, वाचन जी की तरह इन्होंने कविता भी, कथा भी, और यहाँ तक कि उर्दू शायरी भी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब कवि का जो इनका व्यक्तित्व था उसको ट्रांसेंड कर गए हैं, और आज के वक्त में जहाँ एक जिस मुकाम पे हैं, ऐसा नहीं कि कवि के नाते उनकी अहमियत कम हुई है, लेकिन मैंने आज इस चीज़ पे फिर गौर किया कि उनके जितने कविता संग्रह हैं उनसे ज़्यादा कहीं अब उनके नाटक हैं, और नाटककार के रूप में उनकी नई ख्याति देख करके मुझको व्यक्तिगत तौर पर सचमुच बहुत खुशी होती है कि किसी और का सपना से जो रंग यात्रा उन्होंने शुरू की, आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। मैं पत्रकारिता का जिक्र कर रहा था उनके पहलुओं में। मरुदीप से इन्होंने साप्ताहिक एक अखबार वहाँ बीकानेर से निकाला करते थे, उन दिनों में मैं पढ़ता था, और वहाँ पे मैंने सचमुच जिसे कहना चाहिए कि पत्रकारिता का जो पहला कदम है वो इनके साथ में रखा। और रंगमंच जो हम लोग वहाँ बीकानेर में करना शुरू कर चुके थे, और शुरू में आचार्य जी सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए हमारे समूह से जुड़े, और रंगन नाम का जो समूह है जिसका नाम शायद मैंने ही रखा था रंग से कुछ बनाने की कोशिश करते हुए, उसमें हम लोग जो नाटक करते थे वो नाटक सारे के सारे अनुवाद के होते थे। हालांकि आज भी हिंदी में कोई दशा बहुत सुधर गई हो ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन उस वक्त जहाँ तक मुझको याद है, हमने वेटिंग फॉर गॉडो वहाँ पे किया, तो वहाँ पे हमने वल्लभपुर की रूपकथा किया, जुलूस किया, गिनी पिग किया, पागल घोड़ा पगला घोड़ा, पता कितने नाटक थे, सारे के सारे अनुवाद के थे। और एक बार फिर आचार्य जी ने लगभग झिड़कते हुए वहाँ जो अड्डेबाजी बीकानेर में होती है चाय की दुकान पर, उन्होंने कहा कि मतलब आप लोगों को अनुवाद ही अनुवाद सूझते हैं, और जाहिर है कि इन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा नाटक खेले, क्योंकि इन्होंने कोई नाटक लिखा नहीं था तब तक, इसलिए इन्होंने ईमानदारी से हमको ये कहा था कि आपको इस पर सोचना चाहिए। और आचार्य जी ईमानदारी से मानने वाले उन लोगों में हैं उस वक्त से कि हिंदी में अच्छे नाटकों की कमी नहीं है, अच्छे नाटक देखने के लिए आँख चाहिए, और वो आँख जो है वो जो रंगमंच करते हैं, थिएटर करते हैं, उनमें शायद नहीं है, और वो हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास में अच्छे नाटक नहीं है। तो जब यही बात मैंने भी इनको कही कि अच्छे नाटक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आप ढूंढी तो सही है, उन्होंने एक साल में कई नाटक हमको गिनाए। तो चूंकि बहस करने की हमें भी तब उस उम्र में बहुत आदत होती थी, और इन्होंने पूरी छूट भी दी हुई थी, तो हमने कहा देखिए इसमें तो सब स्त्री पात्र है, और आपको पता है कि हमारे समाज में स्त्रियाँ कहाँ मिलती हैं। तो इस तरह से काफ़ी लंबी बहस वहाँ पर चलती रही, उन्होंने ऐसे नाटक भी गिनाए, और अंततः हम लोगों ने सारी की सारी जो है जिम्मेवारी इनके कंधों में डालते, हमने कहा नहीं आप अगर नाटक कोई लिखें तो हम लोग जो हैं वो अनुवाद के नाटक करना बंद करें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मतलब इसी की बात है तो चुनौती की तरह इन्होंने या और किसी और का सपना नाटक जो है वो लिखा गया था, बाद में खेला भी गया। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, क्योंकि असल में ये मेरे अनुभवों की दास्तान नहीं है, बल्कि आचार्य जी को अपनी बात कहनी है, लेकिन ये सिर्फ कहते हुए कि इनके रचनाक्रम में और इनके व्यक्तित्व में जो विविधता रही है वो मुझको कायल करती है। और रंगमंच के लिए जो नाटक इन्होंने लिखे हैं, मैंने जोर दे के कहा रंगमंच के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ माना जाता है कि रंगमंच के लिए लिखे जाने वाले नाटकों की हमारे यहाँ कमी है। आचार्य जी शायद ऐसे थोड़े नाटककारों में हैं जिनका कोई नाटक ऐसा नहीं है जो रंगमंच पर खेला नहीं गया हो, उन्होंने जो लिखा है वो खेला गया है, और मैं मानता हूँ कि इसी में उनके रंगमंच की उनके नाट्य लेखन की एक सार्थकता है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण भारतीय रंगमंच पर मैं आचार्य जी की देन मानता हूँ, बाकी तो समीक्षक बात करेंगे, आचार्य जी अपनी बात कहें उसके बाद में आप लोग भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन एक जो नाटक की भाषा है, एक रंगमंच की भाषा और एक नाटक की भाषा, नाटक की भाषा में जो एक आधुनिक बोध है सिर्फ मुहावरे के तौर पर नहीं, वो जिस रूप में आचार्य जी के नाटकों में मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करता हूँ, खासतौर पर इस चीज़ को मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ कि उनके ज़्यादातर नाटक जो हैं वो पुराणों आख्यान और वो जो इतिहास है उसके इर्द गिर्द रहते हैं, और पुराण और इतिहास के इर्द गिर्द रहते हुए अगर आप एक आधुनिक संवेदना में एक आधुनिक भाषा टटोलते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने वक्त के दरवाजे पर सारी स्थितियों को लेके आते हैं एक पूरे नाटकीय अंदाज में, तो और नाटकीय अनुभव में, तो वो मैं मानता हूँ कि आचार्य जी की खास उपलब्धि है, जिसको कि जो नाटक के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं और विचार करते हैं वो चीज़ को रेखांकित करेंगे। दूसरी बात इसके अलावा जो मैं महसूस करता हूँ कि नाटक लिखते हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन नाटक के बारे में सोचने का काम बहुत कम करते हैं, और जैसा कि वासियान जी कहते थे कि पूरी सभ्यता ही तो आजकल सोचने से बचने का
बसने के उपक्रम सिखाती है, तो लोग सोचते नहीं हैं और नाटक लिखते चले जाते हैं। आचार्य जी उन लोगों में है जो बराबर रंगमंच के बारे में, रंगमंच की स्थितियों के बारे में, अच्छाइयों बुराइयों के बारे में और नाटक की अपनी अवस्थिति के बारे में निरंतर सोचते हैं। उनकी किताब नाट्यानुभव मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अनूठी है। कई जगहों पर उन्होंने जो लेख लिखे हैं, लोगों ने उनसे जो बातचीत की है या उन्होंने कहीं भी भाषण दिए हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने जो एक तरह का एक अनुभव हमारे लिए हमारे सामने रखा है, वो भी अपने अनूठा काम है। तो नाटककार के नाते और विचारक के नाते मैं मानता हूं कि रंगमंच में आचार्य जी की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है और हमारे रंग जगत के लिए एक उपलब्धि है। इसके अलावा कि वो एक कविता और आलोचना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्री के रूप में और एक अनूठे शिक्षक के रूप में अपनी ख्याति अलग जगह पर रखते हैं, लेकिन चूंकि आज हम उनके नाट्यकर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे पहलुओं के उसमें न जा करके और इनके साथ में जो मेरे अपने व्यक्तिगत इतने दशकों के संबंध हैं, लेकिन उस तरह भी मैं नहीं जा करके, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार होगा, मैं आचार्य जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पहले अपनी बात रखें और उसके बाद में हम लोग उनके और जो थोड़ी बहुत भूमिका मैंने अपनी तरफ से उनके व्यक्तित्व और काम के बारे में रखी, उस रोशनी में हम लोग उनसे संवाद करेंगे। उस समय मैंने ये नहीं समझा था कि क्या करना होगा, जैसा कि दरअसल नाटक लिखते समय भी मैं नहीं सोचता कि क्या करना होगा, तो ठीक उसी तरह से ये पूरा ख्याल नहीं था कि क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, मुझे लगा कोई बातचीत होगी बैठ करके, कुछ ऐसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि एक आत्मवक्तव्य जैसा कुछ देना होगा, आज सुबह फ़ोन पर पूरा निर्देश मुझे दिया कि आपको क्या करना होगा। तो मुझे लगा कि तो बड़ा मुश्किल काम है, अपने बारे में कुछ कहना तो हमारी परंपरा में तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी बात ज़्यादा करना उसकी आदत भी नहीं रही। लेकिन अब एक अवसर यह है कि यही बात करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अपने प्रारंभिक जो नाटक से संबंधित मेरे अनुभव उनकी थोड़ी सी बात करूँ, थोड़ी सी आज में इन दिनों में जो कुछ महसूस किया उसकी बात करूँ। तो कुछ बहुत ज़्यादा सैद्धांतिकी आपके सामने नहीं रखूँगा और बहुत ही कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। ठीक काम कर रहे हैं। दरअसल नाटक में मेरी रुचि बहुत बचपन से है और जैसा ओम ने कहा, माफ़ करने के मैं ओम ही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे तुम छोटे भाई की तरह से है, ओम ने जैसा कहा कि इन लोगों के साथ वहाँ काम करने का कुछ मौका मुझे मिला, उसकी वजह भी यही थी कि जो रुचि मेरी बचपन से नाटक में थी, मुझे लगा कुछ लोग उस काम को अगर यहाँ ठीक तरह से कर रहे हैं तो उसमें मुझे अपना सहयोग करना चाहिए। दरअसल जैसा होता है स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उस समय, तो मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था उन दिनों में कुछ नाटक मैंने किए अपने स्कूल में, इसका जिक्र मैं बहुत कम करता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ विशेष नहीं था जिसका जिक्र किया जाए, लेकिन मेरी जो शुरुआत होती है रुचि की नाटक में वो तब से होती है। कुछ कविताएँ भी उस समय लिखी, कुछ नाटक भी उस समय किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नाटक उस समय लिखा भी अपने एक मित्र के साथ मिलकर, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा और हमने कुछ मित्रों के साथ मिलकर के अपने मोहल्ले में किया। उसकी वजह ये थी कर देखी कि जब हम रामलीला वगैरह देखते थे और हमारा एक बहुत धार्मिक शहर था, उसमें इस तरह की गतिविधियाँ बहुत होती थी, तो उसको देखने में उसको महसूस करने में बड़ा कुछ अंदर से ऐसा कुछ लगता था कि कुछ एक सार्थक जैसे कुछ चीज़ हो रही है, हम कुछ और हो रहे हैं ऐसा महसूस हो। रामलीला में काम करते हुए भी एक मुझे याद है उन्हीं दिनों में एक बड़ी रामलीला बाहर से आई थी, तो उसके दृश्य देखते थे तो बड़ा एक अंदर से लगता था कुछ हम ऐसा करें, और ऐसा लगता था कुछ और हो जाता है आदमी जब करते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, वो नहीं रहते, और ये और हो जाना बहुत ज़्यादा कहीं आकर्षित करता था। उसकी बहुत ज़्यादा नास्तिकता में जाने की जरूरत नहीं, जैसे एक बच्चे को जैसा महसूस होता है उसी तरह से कुछ महसूस होता था। तो इसलिए कुछ नाटक हमने किए, मुझे याद है एक नाटक आधे श्याम कथावाचक का वीर अभिमन्यु हम लोगों ने किया है, और उसमें मैंने 3 भूमिकाएं की और एक आध भूमिका कहीं टकरा रही थी तो एक दो दृश्य काट दिए, क्योंकि कोई दूसरा उस भूमिका को करने के लिए तैयार नहीं था,
और वो एक भूमिका कृष्ण की थी, एक भूमिका अश्वत्थामा की थी और एक भूमिका उत्तरा की थी। अब उत्तरा की भूमिका करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम लड़कों में ऐसे सब लड़के ही करते थे उस समय, मतलब लड़कियाँ तो नाटक वगैरह वहाँ करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो मुझे अभी मेरे उस समय के जो दोस्त हैं वो याद करते हैं उसको, 12-1 साल की उम्र रही होगी मेरी। तो उत्तरा की भूमिका की एक दृश्य ऐसा होता है अर्जुन की मृत्यु के बाद भी कृष्ण भी वहाँ आते हैं कुछ ऐसा, तो वो काट दिया गया था। वो बोले इस पार्ट आदमी को खास बात नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हटा सकते हो? बोले नहीं इसमें कुछ नहीं है, फिर उन्होंने हटा दिया। तो वो कहना मैं चाह रहा था कि इसलिए शुरू से एक तरह का रुझान उसके प्रति था। फिर एक नाटक हमने लिखा, हमने कहा ये दूसरों के लिखे क्यों करें, हम खुद क्यों नहीं लिखे। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था उसी के परिवार की एक कहानी, मतलब बहुत गरीब परिवार था, तो कुछ घटनाएं उस परिवार में घटित हुई थी, तो उसी को आधार बना करके मैंने और मेरे एक मित्र ने, उनका नाम ब्रज किशोर पुरोहित, अभी वही मेरे मोहल्ले में रहते हैं और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं बचपन के, तो हम दोनों ने मिलकर के एक नाटक लिखा और बड़ा अजीब किस्म से लिखा गया। जैसे 2 पेज मैंने लिखे और फिर इतने में वो आया, मैं सर तू बैठ, मैं खाना खा गया तू लिख आगे। तो उसने यूँ यूँ कुछ देखा और कुछ आगे लिखना शुरू किया। थोड़ी देर में मैं आया तो वो कहीं चला गया। तो यूँ करके 2-1 दिन में हमने वो एक नाटक छोटा सा लिखा जिसे बच्चे लिखते हैं। और उसमें था कि गीत भी होने चाहिए। अब गीत लिखने की तो डायलॉग वायलॉग तो लिख लिए किसी तरह से, पर गीत कैसे लिखा जाए? तो हमने कहा क्या जरूरी है कि हम खुद ही लिखें, तो कोई फिल्मी गीत उसमें 1-2 डाल दिए बीच में। फिल्मों से लेकर एक फिल्मी गाना उस समय बड़ा मशहूर हुआ था, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर, एक दिन ऐसा आएगा और माटी में सब मिल जाएगा वगैरह, उसकी ऐसी पंक्तियाँ थी। तो हमने उसको उसमें डाला और उस नाटक का नाम ही गरीबों की दुनिया। और वो खूब मोहल्ले के आसपास के लोग देखने के लिए टिकट लगा के किए, बताऊँगा वो दोनों नाटक हम लोगों ने उस समय भी ठीक 4-4 आने के टिकट लगा करके किए। और अभिमन्यु वाले नाटक को तो मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि जब कृष्ण बन के मैं मंच पर आया, रथ वगैरह अर्जुन के उसको बाकायदा दृश्य सा बनाया गया, तो मेरे मोहल्ले की जो दादी नानी चाची उम्र की जो महिलाएं थी उन्हें आँखें बाकायदा हारती होता है। तो उस दृश्य को मैं आज भी नहीं भूल पाता कि किस तरह से, यानी एक असर जो भाई एक बच्चा कृष्ण बनाए तो उनको लगा इसे वाकई इसके हाथ ही उतारने से। हमारा ध्यान इस पर था कि वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो टिकट का पैसा कुछ लोगों ने और अन्य बाकायदा सख्ती से खड़े कर दिए थे कि कोई बिना टिकट के एंटर नहीं करेगा। तो जितने टिकट वाले थे वो आ गए, भीड़ बड़ी इकट्ठी हो गई बाहर, सब मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी और लोग भी जिन्होंने टिकट नहीं खरीदे थे। तो हमारे मोहल्ले में एक हमारे रिश्तेदार ही थे और मोटे ताजे पहलवान वो आदमी थे, डरते भी थे हम सब लोगों से, नीम सा उनका नाम था। वो आए, उन्होंने फाटक खोल दिया, अरे कुछ नहीं सब कर रहा हूँ। तो सारे लोग अंदर, हमने बड़ा विरोध किया लेकिन विरोध हमारा चला नहीं। तो चिंता ये हुई कि पैसे और कम आएंगे इसकी वजह से, जो 10-20 टिकट और बिकते उतनी बिकेंगे, पर कुछ कर नहीं सकते। बाद में उन पैसों का जैसा आप जानते हैं बच्चे, हमने फिल्में में देखी, कुछ मौज बनाया, कुछ खाया पिया इस तरह से। लेकिन एक नाटक के वो जब किया तो अभी भी मैं शायद उस अनुभव को नहीं भूल पाता, ठीक ठीक तरीके से शायद नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत पुरानी स्मृति की बात है, कभी दोबारा बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन कभी कभी याद आता है। तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ और हो गए, मतलब ठीक वो नहीं रहा क्योंकि मैं स्टेज पे जाने से पहले था, स्टेज पे जाते कुछ और हो जाता हूँ, ये फीलिंग एक बराबर सब लोगों को होती थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस होती। पर उसके बाद नाटक लिखना संभव नहीं हुआ और फिर उसे कामों में लग गए, कॉलेज वगैरह में पढ़ने लगे, कुछ और कामों में करने लगे। कविता वगैरह जरूर बाद में कुछ नियमित रूप से जब एमए वगैरह कर लिया तब, बीच में नहीं, लेकिन उस समय कुछ कविता लिखनी शुरू की और धीरे धीरे प्रकाशित वगैरह भी हुई, लेकिन नाटक नहीं लिख पाया। नाटक में दोबारा वो जो मेरी रुचि थी वो दिल्ली आकर के विकसित हुई। और क्योंकि वहाँ एक तो उस तरह के कुछ नाटक हो नहीं रहे थे जिनमें ज़्यादा आकर्षण होता, जिस तरह की मानसिकता बन रही थी उसका अनुकूल कुछ हो नहीं रहा था। तो यहाँ जब आया 73 में, जब रिमेंस वीकली JP ने निकाला, उसमें ये जी उसके संपादक बने, तो उसमें काम करने के लिए मैं आया। तो वैचारिक स्तर पर JP के विचारों से मेरी सहमति थी इसलिए, लेकिन जब यहाँ आया तो कुछ काम जो मुझे यहाँ मिला उसमें ये भी था कि मैं नाटक वगैरह देखूँ और हो सके तो उनकी कुछ समीक्षाएँ वगैरह भी उस अखबार के लिए लिखूँ। उन्हीं दिनों में सारे NSD के मित्रों से, जो आज भी सब मित्र हैं, उनसे मिलना हुआ, उनके नाटक देखना हुआ और भानु के साथ में एक लंबे समय तक रहना भी हुआ एक साथ, और तब से हमारा संबंध लगातार बना रहा है।
और भानु का बहुत अधिक दबाव था मेरे ऊपर नाटक में लिखूँ। जब बातचीत होती थी तो तुम लिखते क्यों नहीं, नाटक क्यों नहीं लिखते, लगातार ये प्रेशर एक तरह से इसका रहता था। और जैसा होता है मैं अपनी कोई न कोई एक कहानी सुना देता था कि मैं इस पर सोच रहा हूँ, और मैं उसमें पुरानी कहानियाँ वगैरह मैंने बहुत पढ़ रखी थी, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, और कई चरित्रों में रुचि थी तो मैं उनमें से कोई चरित्र उठा करके इसके सामने मैं इसके बारे में सोच, बोले ये ठीक है इसको तुम करो और कोई क्यों नहीं लिखते हो, मैं हाँ आपकी तो वो मिलना यहाँ से चला गया वापस तो मिलना उतना रेगुलर नहीं था जितना होता है, छः छः महीने साल भर बाद कभी बार मिलना होता है, जब मिलते तो इसका यही प्रेशर होता और मैं उसका एक नया एक कभी किसी का चरित्र कभी कोई घटना कभी कोई कमी लिखने जा ये एक, लेकिन एक तरह का लगातार प्रेशर और एक तरह से नाटक की अलग तरह की जो दुनिया यहाँ मैंने देखी और उसका एक असर मन पर पड़ना स्वाभाविक था क्योंकि पढ़ता था सोचता था और भी उसके बारे में कुछ रिव्यूज वगैरह उस जमाने में लिखे भी मैंने अपनी मंच वीकली में, मुझे याद है कई जो एन एस डी के नाटक उस समय हुए थे उनके रिव्यूज किए गए। फिर इस प्रक्रिया में से गुजरते गुजरते जब वापस पहुंचा मैं बीकानेर, एग्रीमेंट्स बंद हुआ और मुझे लौटना पड़ा, जब वहाँ लौटा तो उन दिनों में उसके कुछ अर्से बाद मैं कॉलेज में नौकरी करने लगा, एक अखबार नवीसी की आदत पड़ चुकी थी और एक ऐसी आदत है जो खुजली की तरह से है कि अगर आप और कहीं नहीं तो अपना ही कुछ करें, कुछ वैचारिक कुछ आग्रह थे हम लोगों के तो उसके लिए कुछ किया जाए, ये सब कारणों से मैं अखबार निकालने लगा और ओम वगैरह का भी ग्रुप था उसके संपर्क में, ये लोग आए मैं इनके संपर्क में आ कहना चाहिए, ये मेरे अखबार में लिखने भी लगे, ओम ने काफ़ी रिव्यूज बनाए उसे मेरे और भी कई चीज़ें कि आनंद जोशी जो अभी राजस्थान पत्रिका में उन्होंने भी लिखी और कई मित्रों ने लिखी, तो ये एक ग्रुप था जो नाटक करता था। बागीश बीकानेर से यहाँ आ चुके थे, उसके बाद लौट करके जब वहाँ आते थे तो इनके साथ मिलकर के वो नाटक भी करते, जुलूस उन्होंने किया, वेटिंग फॉर गॉड उन्होंने किया, इस तरह के कुछ नाटक उन्होंने किए, मैंने देखे भी उनके बारे में वहाँ लिखा भी वगैरह, पर मेरा ये था कि ये सब अनुवाद जैसा इसने कहा कि सब अनुवाद ही अनुवाद के कुछ हिंदी का भी करना चाहिए, उसके बिना तो हिंदी थिएटर कैसे डेवलप हो, तो इसी तरह की बातें चलती रही। जैसा उसने कहा कि फिर वो एक नाटक इन्हीं के कहने से लिखा गया, उसके पीछे एक और कहानी, और वो कहानी ये कि बीकानेर में एक संगोष्ठी हुई जिसमें अभिनेता क्या करता है, क्या महसूस करता है, या अभिनेता को एक क्या करना चाहिए, इसको लेकर के वहाँ के सारे अभिनेता और नाटक के लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ लोग मानते हैं कि अभिनेता को बिल्कुल उसमें डूब जाना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि तटस्थ भाव से उसको देखना चाहिए, इस तरह की एक बहस हो रही थी। मैं उन लोगों में था जो ये मानते थे कि नहीं, एक तटस्थ भाव रहना चाहिए, अगर वो अपने को कुछ करते हुए नहीं देख पाता है तो नहीं कर पाएगा, और डूबना तो संभव ही नहीं होता है, अगर डूब जाएगा तो फिर आगे कुछ चलेगा उसका व्याकरण ही उसके हाथ से निकल जाएगा, इस तरह की कुछ बहस हो रही थी। और उस बहस में मुझे एक कहना चाहिए कि बीज, जो किसी और का सपना नाटक में मैंने लिखा उसका बीज उसी में था, नाटक के विस्तार में नहीं जाऊँगा, उसमें यही होता है कि एक अभिनेता बार बार अलग अलग स्क्रिप्ट करता है और हर दफ़ा वो एक जगह आकर के और इस स्वाभाविकता के आग्रह में ऐसा ही, अगर ऐसा चरित्र है तो ऐसा ही होगा, जब वो चरित्र में डूब जाता है तो उसको लगता है भाई ऐसा ही होगा तो वो नाटक वहाँ टूट जाता है। वो एक तरह से दो स्तरों पर नाटक चलता है, एक एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का प्ले भी वो है एक तरह की तानाशाही के खिलाफ, और साथ साथ वो एक एक नाटक के अंदर अभिनेता में एक साक्षी भाव विकसित होना चाहिए नाटक के माध्यम से, उसके बिना नाटक संभव नहीं है, अभिनय संभव नहीं है, ये एक सिद्धांत समझिए कि उसमें एक अंडरलाइन अंडरटोन के रूप में ऊपर से वो प्रोटेस्ट प्ले की तरह से लगता है। उसके बारे में जो लिखा गया ज़्यादातर वो भी उसी राजनीतिक दृष्टि से उसके बारे में लिखा गया, इस पक्ष को शायद कम देखा गया, तो वो जब शुरू हो गया तो फिर नाटक लिखने की तरफ दोबारा से ध्यान जाने लगा, और उन्हीं दिनों में दो नाटक मैंने और लिखे, जो एक निधम अक्षम और एक देहांतर, जो दोनों ही दिल्ली में हो चुके हैं। नेमी जी को कहीं से पता चला कि मैं नाटक लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इन दिनों में क्या लिखा, तो मैंने कहा मैंने ये नाटक बोले मुझे भिजवाओ, तो मुझे अब ये था कि भाई नेमी जी मांग रहे हैं तो उनकी राय क्या बनती है जानने की उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी, तो मैंने उनको दोनों नाटक भिजवाए, पहले किंगडम भिजवाया फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूसरा भी तैयार हो गया। वो नाटक भानु को मैं सुना चुका था और इसकी ओपिनियन भी उस पर आ चुकी थी यही, और उसके अनुसार थोड़ा सा मैंने उसमें तरतीब भी किया था। फिर उसके बाद वो जब नवी जी को वो भी भेज दिया, फाइनल जब हो गया तो कुछ अरसे बाद मेरे पास में नटरंग आया जिसमें वो छपा हुआ था,
अच्छा और तब मैं तुमसे चौंका कि मतलब तुमको बहुत अच्छा लगा है ऐसा मैंने महसूस किया। और भानु तो नाराज हुआ, बोले अब इसको कोई भी मतलब ये तो हो जाएगा और फिर मैं इसको करना चाहता था। और उसका गुस्सा इसका इतना ज़्यादा था उसके बाद उसने पिछले साल वो किया, उसने जो करना चाह रहा था पिछले वर्ष उसने। लेकिन खैर वो एक जब छपा और तो मैंने कहा नहीं कौन करता है आज हिंदी में, वैसे भी कोई नाटक वाले हिंदी वाले उठाता तो कोई नहीं तो बेकार जिंदा करते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक महीना भी नहीं हुआ होगा उसको छपे हुए और चंडीगढ़ से अभिनेत वालों की एक चिट्ठी मेरे पास में आई वीरेंद्र मेहरत्ता की कि हम इसको करना चाहते हैं आप अनुमति दे दीजिए। मैं अनुमति उनको भेजता नहीं भेजता इससे पहले ये चिट्ठी आ गई कि फलां तारीख को इसका प्रदर्शन है आप आ जाइए। अब अनुमति वगैरह की तो कोई बात ही नहीं। और वो जो चिट्ठी मेरे पास में वो 3 दिन बाद मुझे चंडीगढ़ पहुँचना था तो वो भी जाना संभव नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन उन्होंने वो नाटक वहाँ पर किया, उसके बाद उसके कई प्रदर्शन दूसरी जगहों पर भी हुए। और जब वो हो गया तो फिर किंगडम भी इस बीच में बीकानेर में हो गया। वो हम तो यहाँ आ गए थे लेकिन बीकानेर में कुछ मित्रों ने से किया इसके चित्र यहाँ बाहर लगे हैं। और तब वो दोनों नाटक एक साथ देहांतर शीर्षक से देहांतर और किंगडम दोनों प्रकाशित हुए। मुझे अच्छा ही लगा कि हिंदी नाट्य जगत में काफ़ी उनका मतलब एक तरह से अप्रिसिएशन उनको मिला और कुछ अच्छे सुझाव भी मिले। लेकिन जिसे कोई बहुत तीखा क्रिटिसिज्म कहते हैं ऐसा कुछ नहीं मिला तो उससे एक शायद एक उत्साह मन में पैदा हुआ कि नहीं शायद ठीक है। और एक मन में ये जो था कि नहीं वो रंगमंच के लिए अनुकूल हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने पौराणिक नाटक लिखा है तो उसको रियलिस्टिक तरह से क्यों लिखा है, इसको इसमें तो काफ़ी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना था कि नहीं अगर मैं उसको भारतीय मन अगर उसको रियल मानता है यानी अगर वो मिथ को एक रियलिटी की तरह ले रहा है तो उसको एक रियलिटी की तरह लिखा जा सकता है। मेरे मन में ये आइडिया था और इसलिए उसमें बहुत से ऐसे चमत्कार वगैरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक रियलिस्टिक तरह से। और दूसरा उसमें जो अप्रोच थी मेरी वो एक बिल्कुल भिन्न थी। उस नाटक की मैं थोड़ी सी जिक्र करूँगा कि वो कैसे लिखा। जैसे जिस अड्डेबाजी का जिक्र हमने किया तो उसी तरह से यानी कैसे एक छोटी सी घटना से वो पैदा हुआ। हम लोग बैठे थे गपशप कर रहे थे, बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत में ययाति की कथा का जिक्र जैसे कई बार आ जाता है तो आया और ये था कि इस पर तो बहुत लिखा गया और उपन्यास भी लिखे गए, कहानियाँ भी कुछ लोगों ने ययाति को लेकर कविताएँ वगैरह भी लिखी और सभी भाषाओं में लगभग लिखा गया। तो वहीं उससे पहले शायद ये मेरे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया होगा। वहीं बैठे बैठे बातचीत होते होते मैंने कहा कि नहीं लेकिन एक एंगल से नहीं लिखा गया, उसमें गुरु का एंगल भी आता है कई जगहों पर गुरु ने उस तरह से लिखा है, कहीं उन्हें याद ही कि अपने त्याग वैराग्य वगैरह भोग वैराग्य वगैरह को लेकर लिखा है। लेकिन एक ऐसा इसमें चरित्र है जिसकी बड़ी ट्रेजेडी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो लड़के बैठे थे कैलाश वगैरह ये सब लोग तो किसकी तरफ, तो मैंने कहा शर्मिष्ठा की, उसकी एक बड़ी त्रासदी इसमें है इस कथा को अगर हम समझें तो। उनका शर्मिष्ठा की क्या त्रासदी, वो जब बात हो रही थी तो उसी में मुझे कुछ फ्लिकर जैसे होता है उस तरह से दिमाग में कौंधा, तो मैंने कहा नहीं कुछ है मैं बाद में बताऊँगा, मैंने कहा अभी डिस्कस करने लग जाऊँगा तो फिर वो छूट जाएगा तो कभी लिखूँगा तो बताऊँगा, ये कह के वो बात खत्म हो गई। मैं रात को अपने घर पहुँचा तो आप यकीन मानिए पूरी रात मैं सो नहीं पाया और वही शर्मिष्ठा का जो द्वंद्व है कि जब किसी का पुत्र अपना यौन उसके पति को दे और वह पति पुत्र के यौन को लेकर के उसके पास आए तो उस स्त्री की मनस्थिति क्या हो सकती है और क्या क्या किस तरह से के द्वंद्व में से गुजरती है, ये एक लगातार मेरे मन में इस तरह के एक विचार रात में उठते कैसे इसको डेवलप किया जाए ये बहुत तीव्रता के साथ उठता रहा। सुबह मैं अपने कॉलेज जाता था पढ़ाने के लिए तो उठकर के बिल्कुल आप वो भी ड्रामेटिक आप देखिए कि उठकर के नहा धोकर के कॉलेज जाने के लिए निकल रहा था अपने कमरे से बाहर और एकदम से वापस कमरे में लौट गया। और एक 3 दिन कभी मैं अपने कॉलेज अर्जी वगैरह नहीं भेजता था, पूरे जेल में 2-4 बारी भेजी होगी, फोन ऑन कर दिया हो गया, कुछ ऐसी कृपा थी प्रिंसिपल की। हमारे मेरे टीचर भी रहे थे वो तो थोड़ा अतिरिक्त उदार थे तो, लेकिन 3 दिन की एक अर्जी लेकर के भेजने को नहीं आ रहा। और शाम को रोज़ हम जाते थे जहाँ अड्डेबाजी करने के लिए, वहाँ भी नहीं पहुँचा 2 दिन तक तो सबको चिंता हुई, कॉलेज भी नहीं आ रहा है अचानक बिना किसी सूचना के। कॉलेज के भी एक दो मित्र वहाँ आते थे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं आया है, पता 3 दिन की अर्जी आई है तो कहीं बाहर तो नहीं चले गए सब। तो किसी ने कहा ऐसा तो नहीं कि वो नाटक लिखने लगते,
कौन सा नाटक, वो शर्मिष्ठा, तो कई तक ध्यानतर मिलर में शर्मिष्ठा वाला नाटक कहा जाता था, नाम करण वगैरह बाद में हुआ छपा तो, लेकिन वो दिन तक लगातार मैंने बैठ के उसको लिखा, तीन दिन में वो पूरा नाटक, दो दिन लगातार बैठ करके उसको, तीसरे दिन शाम को मैंने कहा एक आखिरी दृश्य जब लिखा जाता था कुछ थोड़ी सी उलझन हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार छोड़ते फिर बाद में देखेंगे लौट करके, तो मैं आया और अपने जो मित्रों के साथ में बैठा बातचीत करने के लिए, तो उनका क्या बात है लिख लिया गया, मतलब वही सीधा ये नहीं पूछा क्यों नहीं आए वगैरह वगैरह, क्या नाटक, मैंने कहा हाँ कुछ हो रहा है, तो वो कब रख लें रीडिंग, तो मैंने कहा कल रखे, मुझे जो कह रहे कल ही रख लें, मैंने कहा तो पूरा हो गया, मैंने कहा हो गया लगभग, क्योंकि एक दृश्य आखिरी वो कैसे वो अपना बुढ़ापा वापस लौट आएगा और ये सब कुछ करना था, तो वो मैंने कहा वो हो जाएगा, खैर वो उस तरह से वो तो एक एक बात से आपस की बातचीत से एक पॉइंट जैसे लेकर दिमाग में कुछ एक आइडिया किया और उस पर इस तरह से घेर लिया कि वो नाटक पूरा, और फिर जब लिखने लगे तो ये समझ में आया कि शर्मिष्ठा का ही नहीं है नाटक, उसमें सभी की जब क्योंकि करेक्टर्स को जब आप आपस में टकराते हैं एक दूसरे से वो टकराते हैं तो लगता है कि नहीं हर एक की अपनी ट्रेजेडी अलग, तो उसमें से पुरु की भी गलत वो ट्रेजेडी जो कि पहले पुरु के चरित्र में भी नहीं दिखाई गई थी वो उभर करके आई, खुद रियाती की भाई एक चरित्र विंदुमति का उसमें इंट्रोड्यूस किया, वो मेरा बनाया हुआ चरित्र नहीं, वो पद्म पुराण में विंदुमति नाम की एक इंद्र की लड़की का जिक्र है जो कि रियाती के साथ कुछ गाकर गई थी, तो उस कथा को वहाँ से उसमें जोड़ा, और इस तरह से हर एक का एक अपना कुछ परिवर्तन उसमें होता है, कोई द्वंद्व उसके खड़े होते हैं। अब उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा क्यों लिखा है, इससे क्या दर्शन निकलता है, इससे क्या फिलोसफी निकलती होगी कुछ, अब बैठ करके व्याख्या वगैरह करने लगूंगा तो मैं भी शायद कुछ निकाल दूं, लेकिन ये नाटक इस तरह लिखा गया है, इसके पीछे कोई एक विशेष आइडिया के ये मुझे सिद्ध करना है या इस विचार को प्रस्तुत करना है या समाज की इस दृष्टि को प्रस्तुत करना है इसको, ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल सीधे सीधे जैसे मैंने आपसे कहा ठीक उसी प्रक्रिया में लिखा गया, उसमें से फिर कुछ निकलता है तो निकलता है। इसी तरह से एक दूसरा नाटक था हसनापुर, जो नेमी जी के एक कार्यक्रम के सिलसिले में लिखा गया, एक यहाँ राजेंद्र नाथ जी को भी याद होगा मेरे ख्याल से, एक यहाँ श्रम सेंटर में कार्यशाला लगी थी नाटककारों की, तो उनकी एक चिट्ठी मेरे पास में आई कि हम कुछ पौराणिक विषयों पर चाहते हैं किस तरह की नाटकों की कार्यशाला, और अगर तुम इस बीच में कुछ लिख रहे हो या तुम्हारे दिमाग में कोई है तो तुम भेजो और उसको लिख करके लाओ यहाँ। तो मुझे उस समय एक चीज़ बड़ी आकर्षित, उन दिनों में भाई दोबारा मैं महाभारत पढ़ रहा था, पहले भी कई दफ़ा पढ़ी थी, एक चीज़ ने सिर्फ एक चीज़ ने मुझे आकर्षित किया, मुझे उसमें एक ड्रामेटिक या कहीं नाटकीय संभावनाएं दिखाई दी कि ये चरित्र का ये द्वंद्व जो है वो महाभारत में वर्णन नहीं मिलता है कि जिस समय नियोग के लिए अंबिका के पास में सत्यवती जाती हैं, उसको कहती हैं कि इस तरह से नियोग की व्यवस्था की गई है, कुरुवंश को उत्तराधिकारी चाहिए और देवर तुम्हारे पास में, तुम्हारे देवर तुम्हारे पास में आएंगे, तो मूल जो सब ये साथ संक्षिप्त महाभारत में वो नहीं आता इतना विस्तार से, मूल महाभारत में ये लिखा गया है, उस समय अंबिका को ये लगा कि भीष्म आएंगे, तो वो भीष्म आएंगे इस बात से वो इतनी उल्लसित हो गई, यानी उसको लगा कि भीष्म जैसा प्रतापी, उस जमाने का सबसे बड़ा प्रतापी व्यक्ति, अगर उसने मेरे साथ नियोग को स्वीकार किया है तो ये मेरे लिए कितनी, और कहीं भी आपको याद होगा भीष्म ही लाए थे उनको उठा करके, काशीराज की कन्याएं थी उनको, तो एक तरह का, और लेकिन जब आए तो वेदव्यास आए भीष्म की जगह पर, एक काला और कुरूप सा व्यक्ति और एकदम से जिसको जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, तो मुझे इसमें एक ऐसा लगा कि एक चरित्र कितने द्वंद्व में से गुजरेगा, इस परिस्थिति में से जब वो गुजरेगा तो कैसे, इसमें उस अभिनय की कितनी संभावना है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी नाटक में अगर ये संभावना नहीं हो तो अच्छा नाटक नहीं है, तो इसमें इस सिचुएशन में अभिनय की, इस चरित्र की कितनी संभावनाएं हैं, ये एक मुद्दा मेरे दिमाग में है, तो मैंने नेमी जी को लिखा कि हाँ मैं अभी महाभारत पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस आदि पर्व में ये जो कथा है इसके आधार पर मैं एक नाटक लिखना चाहूँ, तो उनका ठीक है तुम लिखिए, तो मैं उसको भी जब मैं लिखने लगा, देखिए उसमें एक चरित्र आता है शोभा जिसका बहुत जिक्र हुआ बाद में और उसके बारे में लिखा भी गया कि एक विदुर की माँ का नाम वो है नहीं महाभारत में कहीं पर भी, लेकिन मैंने एक शोभा नाम दिया क्योंकि व्यास उसको शोभा कह करके
दासी होती है जो अमेरिका की जगह दोबारा भेजी जाती है, तो सुबह कहकर के उसको संबोधित करते, तो मैंने वो नाम सुभाष कुमार लिखा। वो चरित्र एक तरह से उस नाटक का सबसे प्रमुख चरित्र, कुछ लोगों ने कहा ये दलित विमर्श है, कुछ लोगों ने कहा ये स्त्री विमर्श है, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक तरह से पूरे इतिहास, कुछ मित्रों ने लिखा भी उसके बारे में कि पूरे महाभारत के और उसके इतिहास को एक दूसरे तरह से समझना वगैरह वगैरह। लेकिन सच मानिए मेरे दिमाग में उस समय ये कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में केवल ये था कि ये एक अभिनय की स्थिति, ये नाट्य क्षण जो है ये कैसे अधिक से अधिक उभरे। और जब उसके लिए मैं उस पूरा नाटक बुनने की कोशिश करने लगा तो जितने चरित्र मुझे उसमें लेने थे, कोई कहीं लिए भी नहीं गए, लेकिन जितने चरित्र लेने थे उनकी आपसी टकराहटें उसी अभिनय के अनुकूलता में विकसित करनी थी, तो उससे वो नाटक अपने आप जैसे वो कथा दूसरे तरीके से विकसित होती चली गई। और उसमें सुभाष जैसा एक चरित्र ऐसा आया जो कि कतई, मतलब ये नहीं था कि मैं कोई इससे कुछ दलित विमर्श कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा माना गया मित्रों के द्वारा वो तो, और बहुत से सवाल उसमें उठाए। तो ये सवाल उस नाटक की रचना के माध्यम से ही उठाए गए, ये नहीं कि पहले से ये सवाल मेरे मन में थे और उनको मैं नाटक में कहीं प्रयोग, हो सकता है कहीं मेरे अपने विचारों में रहे हों, लेकिन उस नाटक को लिखने के लिए ये इसलिए नहीं लिखा गया कि मुझे वे सवाल उठाने थे। मुझे केवल एक नाट्यात्मक कृति प्रस्तुत करने का था। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी मानवीय द्वंद्वात्मक अनुभव में से अगर गुजरते हैं तो वो आपको किसी न किसी मूल्य की ओर ले जाता है, अपने आप ही ले जाता है। इसके लिए आपको बहुत सचेत रूप से कुछ किसी विचार को, किसी दर्शन को, उन दर्शनों और विचारों की भी, जिसमें मेरा विश्वास है, अगर मैं राजनीति के बारे में लिखूंगा तो, अगर मैं और किसी समाज नीति के बारे में लिखूंगा तो, मेरा बहुत ऐसा नहीं कि मेरे विचार नहीं है, वे बहुत और बड़े स्पष्ट हैं, वो सभी मित्र जानते हैं उनके बारे में, बहुत स्पष्टता से मैं लिखता रहा हूँ, लेकिन वो एक जो दृष्टि थी वो उस नाटक में से ही विकसित हुई। वो अलग से सोच करके कि मुझे ऐसा करना है और मुझे ये चीज़ प्रस्तुत कर देनी है इस नाटक से, मुझे ये कर देना, ऐसा कुछ भाव उसमें नहीं था। वो लिखा गया और फिर पहले उसको यहाँ पढ़ा गया, लेकिन इस बीच कुछ मैं पूरा वर्कशॉप अटेंड भी नहीं कर सका, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे ताऊ जो थे वह बीमार हो गए और अचानक मुझे खबर मिली, मैं पढ़ भी नहीं सका उस नाटक को यहाँ पर, मैं नाटक छोड़ कर चला गया। तो बाद में पढ़ा गया या सब कोई बातचीत हुई मैं नहीं जानता। फिर दोबारा एक गुलाम बादशाह नाटक के लिए जो यहाँ पर किया भी गया था, वो इसी के लिए नेमी जी की कहने से, उसमें भी यही था कि एक चरित्र मुझे लग रहा था कि एक व्यक्ति जो इतना प्रबल बादशाह है, सुल्तान है अपने समय का, और वो इतना टूट चुका है अंदर से, लेकिन अपनी टूटन को बाहर नहीं दिखाना। बलबन का एक ऐसा चरित्र इतिहास में हमको मिला है, पूरी तरह से अंदर से टूटा हुआ चरित्र है, लेकिन वो अपने को बाहर बड़ा मजबूती के साथ में एक बड़े क्रूर सुल्तान की तरह से पेश करता है। तो इसकी क्या बनावट है मन की, और ये बनावट एक चरित्र में अभिनय की कितनी संभावनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करती है, इसी की तलाश में वो नाटक लिखा है। तो एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी भी कोई नाटक किसी एक विचार विशेष को प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखा, वो मुख्यतया एक चरित्र के द्वंद को समझने के लिए, एक परिस्थिति के द्वंद को समझने के लिए, और वो द्वंद भी जो अभिनय की संभावनाओं को उजागर करता है, इसी तलाश में, इसी खोज में लिखा गया। इवन गांधी वाला जो अभी बापू महानू ने किया, उसमें भी कोई गांधी दर्शन में मेरी आस्था है, और गांधी पर अलग से मैंने किताब भी लिखी है उनके दर्शन पर, और मित्रों को पसंद भी आई है। लेकिन वो नाटक जब लिखा गया तो उसके पीछे दृष्टि यही थी कि एक व्यक्ति जिसने एक पूरी दुनिया बनाई और उसको प्रभावित किया, और पूरी एक बड़ा अचीवमेंट शायद पिछली शताब्दियों में किसी ने नहीं किया होगा, जितना मैं मानता हूँ कुछ आदमी ने किया, वो कितना अकेला छूट जाता है, वे सारे लोग जो उसके बनाए हुए लोग हैं किस तरह से उसको छोड़ करके चले जाते हैं, और वो उनको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उनको छोड़ने का मतलब उस समय देश को छोड़ देना। तो एक ऐसे व्यक्ति की मजबूरी जो देख रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो उसके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, उसके बहुत ही विश्वस्त सहयोगी उसे झूठ बोल रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, और वो उनको छोड़ नहीं पा रहा। तो ये मुझे इसमें एक अभिनेता के लिए इतनी संभावनाएं दिखाई दी कि इन सारे द्वंद्वों को अगर एक अभिनेता प्रकट करता है तो वो कितनी बड़ी अभिनय की उत्कर्ष स्थितियों में पहुँच सकता है। ऐसी इस कोशिश में, मैं नहीं जानता ऐसा हुआ नहीं हुआ, वो लिखा वो लिखना मेरा सफल हुआ नहीं हुआ, अभिनेता ने इसको कोई चैलेंज तो लिया नहीं लिया, ये अभिनेता जाने, लेकिन मेरे अपने मन में यही बात जिले सुभानी को लेकर जो
एलएसडी में राजेंद्र गुप्ता ने किया, उसमें भी एक ऐसा सेंटर है और वो बहुत से मित्रों ने देखा भी है उसको यहाँ पर, तो उसकी कथा में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें भी वही द्वंद है कि किस तरह से एक आदमी सब कुछ होते हुए भी अंदर से खो रहा है और किस तरह से एक आदमी जिस चीज को नहीं चाहता है उसे स्वीकार करने को बाध्य होता है क्योंकि उसको कुछ और चाहिए, कभी डर से, कभी लोभ से, कभी भय से। और अब अगर उस सारी परिस्थिति में हमारा समकालीन समाज आता है, और दुर्भाग्य से हमारा अधिकांश समकालीन समाज ऐसा है जो कभी भय से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी किसी न किसी इस प्रकार किसी डर, इन सब चीजों के कारण से वह सब मानने को बाध्य होता है जो वो नहीं मानना चाहता, और इस कारण से निरंतर उसका व्यक्तित्व खंडित विकृत होता चला जाता है। ये दबाव कितना विकृत करता है, कितना हिंसक उसको अंदर से बनाता है। इस और इस एक अभिनेता के लिए क्या संभावनाएं इसमें हो सकती है, इस तलाश के साथ में वो नाटक लिखा गया। उस नाटक के बारे में फिर ये कहना चाहूंगा कि वो नाटक नहीं लिखा गया होता अगर भानु भारती का आग्रह उस नाटक के लिए नहीं होता। मैं लगभग ऐसा सोच लिया था कि नाटक बड़ा मुश्किल काम है, लिखना नहीं, माफ कीजिए, उसको करवाना, क्योंकि हमारे निर्देशकों को समय नहीं, उनके पास में फुर्सत नहीं, अगर नाटक भेजें तो 6 महीने तक उसका एक्सेप्टेंस का भी नहीं मालूम होता कि उनको मिला भी है कि नहीं मिला है। मैंने जब ध्यानकर छपा तो उसकी 85 कॉपीज उसके नाम थे, हिंदी के लगभग बहुत सारे निर्देशकों को और उनको भेज दी, नाट्य समीक्षकों को, ये जानना चाहता था कि क्या उनको लगता है, हो चुका था, उसकी तारीख भी हो चुकी थी। आप आश्चर्य करेंगे मुझे एक भी चिट्ठी वापस नहीं मिली 85 प्रतियां भेजने के बाद। एक दिन मैंने अपने प्रकाशक से यूं पूछा, मैं किसी मित्र को भिजवाना चाह रहा था तो मुझे लगा काफी भिजवा दी यार, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा भिजवा दी, पर मेरे अनुमान में खाली 25-30 भिजवाई होगी और क्या, कोई आता मैं कहता हाँ भेज दो, तो उससे मैंने कहा भी कितनी भेज दो, उसने कहा तो मुस्कुराने लगा, मैंने कहा नहीं क्या तो ज्यादा हो गई क्या, उसने कहा 85 हो गई, तो मैंने कहा मत भेजो अब जो मतलब, क्योंकि ये तो अन्याय हो जाएगा तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा, वो एक तरह से मेरा विद्यार्थी भी रहा है, मेरा प्रकाशक और घरेलू रिश्ते, तो बेचारा भेज देता है, लेकिन ये तो अन्याय ही है कि आप 85 कॉपी भेज, मतलब उसको तो मैंने कहा रहने दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा, तो मैंने सोचा कि बेकार, अब उसको आप फिर उसके बाद में बड़े नखरे हैं, तो मैंने कहा ये तो नहीं करना है, कुछ मेरी पारिवारिक कुछ ऐसी दुर्घटना है उसकी वजह से भी कुछ डिप्रेशन था। भानु उस समय 2-3 दफ़ा भी करने आए, बार बार उन्होंने मुझे उनसे मैंने कहा ये आता था तो मैं एक कथा इसके सामने रख देता, तो आज नहीं कथा मैंने फिर नहीं रख दी, मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा देखो यार ये एक दिमाग में चल रहा है, उसने कहा ये बहुत अच्छा है तुम लिख क्यों नहीं, मैंने कहा कोई अलग तरह की चीज़ हो जाएगी, थिएटर में ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा दिखाना कैसे करोगे, बोले उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी तुम लिख दो, तो मैंने कहा अच्छा लिखता हूँ, तो 3 दफ़ा ये उस नाटक को लिखवाने के लिए भी कर रहा है, और उसके बाद इसने कहा मैंने डेट, झूठ तो ये भी बोलते ही है, इसने कहा मैंने इसकी डेट तय कर दी है और मैंने फला वो ले लिया है और अब तुम अगर स्क्रिप्ट नहीं भेजोगे तो मैं कैसे करूँगा वगैरह वगैरह, तो मैंने खैर किसी तरह से उस नाटक को लिखा और पूरा किया, उसको स्क्रिप्ट भेजी, फिर मैं यहाँ आया, ओम के यहीं खड़ा हुआ था, आया नाटक इसके साथ पढ़ा, सुझाव इसने दिए, वो इनकॉर्पोरेट किए, और उसके बाद में जब फाइनल स्क्रिप्ट की बनी तो प्रयाग जी ने उस समय एक कार्यक्रम ये जो श्रुति का करते हैं तो उसके लिए मुझे बुलाया और ये कहा कि ये कार्यक्रम में आप आइए, अगर कुछ कविताएँ सुनाइए, कोई नाटक लिखा हो तो कुछ हम उसके भी पढ़ दीजिए, तो उन दोनों में मैंने लिखा ही था, तो यहाँ आकर के मैंने पढ़ा श्रुति में उस कार्यक्रम में, तो अंकुर जी ने और प्रयाग जी ने वो नाटक तो था ही इनके पास में, तो अंकुर जी का कि ये हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तब तक इन्होंने छाप दिया, प्रयाग जी ने अगले प्रकाशित हो गया, और उसके बाद लेकिन काफ़ी समय तक नहीं हो पाया, और भानु भी प्लान करता था, फिर बीच में एनएसडी ने उसको लिया, सब लोगों ने आपको देखा, लेकिन वो उसी दबाव में वो लिखा गया। लेकिन मेरी जो तलाश है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सारे विवरण के अंदर जो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, मेरी तलाश किसी एक विचार विशेष को प्रस्तुत करने की कभी नहीं रही है, सभी नाटकों के बारे में ये कहा गया कि ये कुछ इस विचार को प्रस्तुत करते हैं, कि ये इस तरह का एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते हैं, कि ये कभी नहीं रही, मतलब सचेत कोशिश थी, मैं हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहा कि मुझे, और जो मैं बार बार लौटता हूँ जैसा हमने कहा ऐतिहासिक कथानकों की तरफ या पौराणिक कथानकों की तरफ, उसकी वजह ये कि मुझे उसमें लगातार कुछ ऐसी ऐसे चरित्र और ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई देती है जिसमें अभिनय की बहुत ही
गहरी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि अगर ये मैं नहीं कहता मैंने वैसा कर दिया, बहुत गलत भी लिखा होगा, बहुत खराब लिखा होगा, लेकिन कोशिश मेरी ये रही कि ये अगर एक अभिनेता के लिए मैं ये कर सकता हूँ वही एक अच्छा नाटक हो सकता है। इसके बाद और जैसा मैंने कहा मैं शुरू से ये मानता हूँ कि अगर किसी भी मानवीय अनुभव को अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो वो स्वयमेव आपको किसी न किसी मूल्य की ओर ले जाता है। उसके लिए अलग से आपको किसी मूल्यवत्ता को ऊपर से थोपने की आवश्यकता नहीं, आरोपित करने की जरूरत नहीं है। और मूल्य महत्वपूर्ण है, जिसे आपके प्राचीन काव्य में जो सवित्र क्षत्रिय कहा गया वो इन्हीं अर्थों में कहा गया, वहाँ कोई विचारधारा का सवाल नहीं है, वहाँ एक मूल्यवत्ता का सवाल है कि उस अनुभव में से अगर एक मूल्य निकलता है, अगर करुण रस में से एक मूल्य निकलता है, अगर रौद्र में से एक मूल्य निकलता है, और सब में से मूल्य निकलते हैं, तो इसलिए वो पर वो मूल्य के लिए नहीं लिखा जा रहा है। वो अगर आप कला की अपनी तलाश करते हैं, उसका अपना अन्वेषण करते हैं, तो उसमें से मूल्य स्वयं भी निस्सृत होते हैं। ये पचासों बड़े बड़े, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा लेखक हूँ, लेकिन बहुत से टॉल्स्टॉय जैसे पचासों बड़े बड़े लेखकों के हवाले से ये बात देखी जा सकती है। और ये कोशिश मेरी बराबर इसमें रही, तो ये एक मैंने एक छोटा सा विवरण अगर रश्मि जी ने जैसा चाहा वैसा दे पाया मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि निर्देश था कि मुझे केवल उसकी बात करनी है और फिर बाकी बातचीत आप जो करेंगे तो उसमें। धन्यवाद। शुरू किया है तो मेरे ख्याल में आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, लेकिन ज्यादा अपने नाटकों के खुलासे में न जाते हुए लेकिन थोड़ा इशारा करते हुए कि इनके नाटकों में खूबी क्या रही है, मेरे ख्याल में इस तरह के वक्तव्य नाटककार के किसी लेखक के भीतर झांकने में तो अपनी जगह अपनी अहमियत रखते ही है कि लेखक खुद काम करते हुए क्या सोचता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग उनसे सहमत हों। आचार्य जी ने जैसे कहा कि इनके नाटकों में उस ढंग से विचार का तत्व तो नहीं है, विचार परक नहीं है, क्योंकि विचार की हमारे दौर में कुछ इस तरह से घुसपैठ हो गई है कि अब जो भले लोग हैं वो इससे कतराते हैं और कहते हैं कि उनके नाटकों में विचार नहीं है या विचार से दूर है, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही कलात्मक और बहुत ही ऊँची चीज़ है। मैं मानता हूँ कि जब शर्मिष्ठा का इन्होंने जिक्र किया और उस एक चरित्र के द्वंद्व को आप उसमें नाट्य स्थितियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो असल में आपके सामने वो चरित्र जो है वो किसका गढ़ा हुआ है, वो चरित्र आपने गढ़ा है सिर्फ आप इतिहास या पुराण में से निकाल के नहीं लाए हैं, वो आपका विचार है। और इस मायने में विचार हमेशा कोई बुरी चीज़ होती है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो चरित्रों के उसमें संवाद हैं और जिस तरह की नाट्य स्थितियाँ पैदा की हैं वो भी मूलतः लेखक का विचार है, और इसलिए विचार अनिवार्य तौर पे अंततः कोई बुरी चीज़ नहीं होता। पर जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ विचार परक चीज़ों का जो एक तरह से ऐसा डरावना और भयावह माहौल रहा है खासकर हिंदी साहित्य में, तो इस वजह से शायद उन्होंने इशारा किया हो कि उस ढंग का विचार उनके साहित्य में निश्चय ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में उपलब्धि है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं आमंत्रित करूँ और आप सब लोगों ने जो जैसे मुझे एक विचार सूझा की बात सुनते हुए आपके भी मन में बहुत सवाल आए होंगे और आप लोग आमंत्रित हैं, और इसमें काफ़ी देर तक सोचने में वक्त लगाते हैं लोग कि कौन सबसे पहले सवाल पूछे, तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जिन्होंने बहुत गौर से पढ़ा है पहले वो एक पहला सवाल फेंके उसके बाद में समझ गया हूँ कि आचार्य जी क्या कहने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सवाल नहीं करूँगा, सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे आचार्य जी के कथन में असहमति की या कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिस पर कि मैं सवाल करूँ। और मुझे ये भी लगता है ओम जी कि आचार्य जी ने ये नहीं कहा कि इनके नाटक में विचार नहीं होते, इन्होंने कहा कि इनके नाटक विचार को कम्युनिकेट करने के इरादे से नहीं लिखे जाते, हो जाता है वो अलग बात है, वो संयोग की बात है कि हो जाता है। एनीवे, जो बात मैं आचार्य जी की बात सुनते हुए जो अपने एक तरह से निजी अनुभव से भी जुड़ते हुए मुझे सूझ रही थी, जिस उम्र में आचार्य जी मोहल्ले में नाटक कर रहे थे या स्कूल में नाटक लिखने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह की चीज़ें,
मेरा ख्याल है कि यहाँ हम सबके अनुभव उस तरह के होंगे, ज्यादातर लोगों के होंगे, और खास करके मैं स्वयं चूंकि एक छोटे नगर से आता हूँ तो मुझे लगता है कि छोटे नगर के नौजवान दिमाग में नाटक की एक खास भूमिका होती है, या कम से कम उस जमाने में होती थी जब टेलीविजन इतना सर्वव्यापी नहीं हुआ था या इंटरनेट इतना सर्वव्यापी नहीं हुआ था, तो वो एक तरह का आत्म अनुसंधान, एक अपने आप को खोजने की, अपने आप को पहचानने की कोशिश के रूप में नाटक हम लोगों के लिए उस समय हुआ करता था। और इससे मेरे मन में एक जो सवाल कहिए या जिज्ञासा जिसपे मैं चाहूंगा कि आप सोचें अभी या कभी भी, उसमें नाटक की ऐसी क्या विशेषता है, हम कुछ और हो रहे हैं। बहुत सुंदर वाक्य आपने कहा, हम कुछ और हो रहे हैं, ये उपन्यास लिखते समय उपन्यासकार को लगता है, अगर वो नहीं लगता तो वो उपन्यास नहीं लिख सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक प्रसंग में एक संवाद लिखते हुए होरी हो रहा है और वही व्यक्ति अन्य प्रसंग में एक संवाद लिखते हुए मेहता हो रहा है, वही व्यक्ति मालती हो रहा है और वही व्यक्ति धनिया हो रहा है। कविता भी एक सीमा के बाद केवल सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं रह जाती है, बल्कि इसको यो भी कह सकते हैं कि कविता में जो कवि का आत्मव्यक्त होता है वो भी एक तरह से कई आवाजों को धारण करने वाला, कई तरह की संभावनाओं से टकराने वाला हो जाता है। तो ये जो हम का कुछ और होना है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से परकाया प्रवेश कहना पसंद करता हूँ, इसके बिना तो किसी साहित्य रूप की कल्पना ही संभव नहीं। तो नाटक की ऐसी कौन सी विशेषता है रूप के धरातल पर, या कहिए कि विधा के धरातल पर, जो आपको या किसी भी नाटककार को जो कविता भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है या अन्य सृजनात्मक माध्यम से भी अपनी बात कह सकता है, वो तो खास नाटक की ओर क्यों जाता है? ऐसा क्या है जो आप नाटक में ही कहेंगे कविता में नहीं कह पाएंगे, या ऐसी कौन सी, ऐसा कौन सा आनंद है, ऐसी कौन सी रसदशा है, ऐसी कौन सी शरारत है, ऐसी कौन सी खुराफात है जो आप कविता में नहीं कर सकते, उपन्यास में नहीं कर सकते और खास नाटक की आपको उसके लिए जरूरत पड़ती है? वो तो मेरी जर्नलिस्टिक शरारत है। देखिए, जो ओम ने जो सवाल उठाया था और उसमें जिनका दोनों का मैं दोनों पे अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ, ओम ने जो सवाल उठाया था उस शाही ने, उन्होंने एक दफा कहा था कि कविता में विचार करने में और कविता के विचार करने में फर्क होता है, तो इसी तरह नाटक में विचार करने और नाटक के विचार करने में फर्क होता है। अगर इस फर्क को हम समझ लें तो हम मेरे ख्याल से ओम के सवाल का उत्तर मिल जाता है। विचार से कोई विरोध नहीं, पर कविता भी विचार करती है, कविता में विचार किया जाता है, ये दो अलग अलग चीज है। जहां तक ये सवाल है कि जो पुरुषोत्तम जी ने किया कि नाटक की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है, कविता भी कुछ हद तक वो काम करती है, कुछ हद तक सभी कलाएं एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी कलाएं एक तरह से आत्मानुसंधान भी करती हैं और उस आत्मानुसंधान में कई कई रूपों में से गुजरता है जो करने वाला कलाकार है। लेकिन बाकी जगह पर मैं ये पाता हूँ कि आप किसी आप चरित्र गढ़ते हैं, आप एक तरह से अपने मनोवांछित तरह से चरित्र करते हैं और मनोवांछित तरह से चरित्र करने में परकाया प्रवेश होता तो है, लेकिन वो काफी हद तक आपके मन के अनुकूल होता है। नाटक मुझे लगता है एक ऐसी विधा है जिसमें, क्योंकि आप स्थितियों में से उसको निकालते हैं और एक द्वंद में से उसको निकालते हैं, उस द्वंद के बिना नाटक नहीं बनता, तो अपने आंतरिक द्वंद्वों को समझने में जितना स्पष्ट पहचान उसकी आप नाटक में कर सकते हैं और उसके साथ साथ में अपने को बिल्कुल एक दूसरे रूप में देख सकते हैं, स्टेज पे खड़ा देख सकते हैं, एक चरित्र के रूप में देख सकते हैं, वैसा अन्यत्र संभव नहीं हो पाता उस तीव्रता और उस इंटेंसिटी के साथ में और इतनी स्पष्टता के साथ में जैसा नाटक में, ये मुझे लगता है। अब तो सबके लिए खुला है मैदान, और अगर ऐसे सवाल नहीं आते तो फिर मैं नाम ले लेके बुलाना शुरू करता हूँ। चलिए, मैं सोचता हूँ कि भानु भारती जी का जिक्र इसमें काफी हुआ है और हाल ही में इनके दोनों नाटक जो श्रीराम सेंटर में हुए थे, मैं भी उसमें मौजूद था जब आचार्य जी ने खेले, और खासकर जो बापू है उसकी तो उस ढंग से चर्चा ज्यादा हुई नहीं, पर फिर भी एक तो आम सवाल पूछे जाएं
और या साहित्य की या विचार के नजरिए से जैसा डॉक्टर साहब ने पूछा, लेकिन रंगकर्मी के नाते चूंकि आपने इनके नाटक आपने निर्देशन आपने किया नाटकों का, और बल्कि आपके वजह से नाटक लिखे भी गए जैसा आचार्य जी ने जिक्र किया, इसलिए आपका सवाल पूछना तो लाजिमी है। आपको कोई नहीं, आप अपना सवाल पूछे। वैसे बालू जी के नाम से मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ, ये उनकी तरफ से माना जाए कि आपने इन्हीं का इतना जिक्र क्यों किया जब आपसे सवाल भी पूछने को तैयार नहीं। और कोई सवाल पूछना चाहें? कीर्ति जी कुछ कहना चाहें? तो एक बहुत साधारण जिज्ञासा कि क्योंकि आपने कहा कि हर नाटक के पीछे अभिनेता के लिए क्या चैलेंज होगा ये आपके मन में रहा, तो किसी प्रदर्शन को देखते हुए या किसी अभिनेता के अभिनय में आपको लगा कि एक तो ये कि जो द्वंद आप चाह रहे थे वो निकल के आया, या कि उसके और आगे उसके बियॉन्ड कोई अर्थ निकले जब आपने कोई प्रदर्शन देखा, या इसकी सिर्फ इच्छा ही रह गई? बहुत ही टेढ़ा सवाल है, इतना सीधा है नहीं। हुआ कि मैं बहुत सारे प्रदर्शन तो देख ही नहीं पाया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए किंगडम के, और वो मैं वहाँ नहीं देख पाया, जा नहीं पाया, और भी जगहों पर जहाँ नाटक हुए अधिकांश जगहों पर नहीं जा पाए देखने के लिए, तो इसलिए वहाँ क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने जो देखे उनमें से मुझे जैसे जिले सुहानी का जगत सिंह जो उसने अभिनय किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गजब अभिनय था, और जो मेरे मन में उस चरित्र को लेकर, हसन के चरित्र को लेकर के जो मेरे मन में एक कल्पना थी वो लगभग उसके आसपास जाता हुआ, और बहुत ही मैं प्रभावित हुआ उसके कहा भी उसके बाद में। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद दोबारा आया तो मुझे किसी ने कहा कि कोई और कर रहा है उसको, तो मैं देखने के लिए गया, उस दिन भी वही कर रहा था और उस दिन भी उतना ही अच्छा था, कोई और शायद उस दिन कोई नहीं कर रहा होगा। तो एक तो मुझे लगता है कि उस चरित्र में उसके अभिनय में मुझे ये बात दिखाई। मोटे तौर पर जो नाटक हुए हैं वो अभिनय से मुझे संतुष्ट तो करते रहे, जितनी तीव्रता और इंटेंसिटी मुझे उसके चरित्र में दिखाई थी वैसी मुझे कम दिखाई। एक कभी जिसे देहांतर किया गया था जो यहाँ हुआ था उसमें शायद मैं उससे उतना नहीं प्रभावित था, लेकिन वही शो जब भोपाल में और दिल्ली में जयपुर में हुआ कुछ अर्सा पहले अगस्त के अंदर, तो उसमें लगभग मुझे लगा कि उस चीज़ को पाने की कोशिश हुई, और वो काफ़ी और भी लोगों को लगा, मुझे भी लगा कि हाँ मैंने जो सोचा है उसके पास ये तीन ही कैरेक्टर्स हैं, तीनों ही मुझे लग रहा था कि उसमें। लेकिन अन्यत्र जो या एक चरित्र मैं समझता हूँ कि बीकानेर में जो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब सामान्यतया जब नाटक का जिक्र होता है तो बहुत ज़्यादा निर्देशन की संभावना वहाँ अवसर उतनी नहीं है, अभिनेता कुछ बहुत अच्छे उनके पास अवसर नहीं है कि वो बहुत जगहों में जाके कर सके, लेकिन किमितम यक्षम जब वहाँ पर किया गया तो उसमें एक रूपा पारी नाम की लड़की ने काम किया था जो गायिका चरित्र उसने निभाया था, और मुझे लगता है कि वो चरित्र भी बिल्कुल उसने उसके पास पहुँचने की कोशिश की और काफ़ी हद तक पहुँचा। एक कैलाश भारद्वाज करके वहाँ के अभिनेता ने बाजार में मेरा नाटक करे, उन्होंने पागलघर जो मेरा नाटक उसके अंदर बहुत ही जो मतलब मेरे दिमाग में जो इमेज आती थी उसके आसपास वो अभिनय कर पाने में सफल हुए, उसको ट्रांसेंड करके मुझे कहीं और ले जा सके ऐसा तो मुझे या तो अभी तक नहीं है। देखने के लिए देखिए आपके नाटक जैसा आपने कहा कि बड़ी टेढ़ी विधा है, स्ट्रक्चरिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी लिए हुए, और हम लोग ये मानते रहे हैं कि क्योंकि हिंदी क्षेत्र में बहुत रंगमंच होता नहीं नियमित तौर से, तो लेखक या कि कोई भी देख नहीं पाता, और देख नहीं पाता इसीलिए बहुत समझ नाटक के स्ट्रक्चर की बनती नहीं, पर आपके सब नाटकों में बहुत एक किस्म का गठन बहुत मतलब पकड़ है उसमें बहुत, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये कहीं आपको नजर आता है कोई प्रभाव जो आप पर पड़े, या कि तरह के नाटक आपने पढ़े देखे जिससे आप इसकी तरफ रुझान हुआ और ये समझ बनी नाटक के स्ट्रक्चर? मतलब कविता में आप पुस्तक में कई नाम ले सकता है,
लेकिन शायद नाटक में एक भी नाम नहीं ले सकता जिसको मैं समझू कि उसका प्रभाव तो इसलिए ये तो नहीं कह सकता कि कविता में तो पढ़े और वो सभी जानते हैं और मैं कहता रहूँ, लेकिन नाटक में ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई विशेष नाटककार का या किसी विशेष डायरेक्टर का कोई ऐसा प्रभाव रहा। गठन का जहाँ तक आप बात करें, शायद एक वो शायद मेरी हर मैं नहीं जानता कि वो अच्छा बुरा, लेकिन एक तरह की कॉम्पैक्ट जिसे कहते हैं वो मेरी मेरी हर लेखन में शायद आपको मिली, अगर मैं हमारी लेखन भी मिली बहुत सारे पढ़े तो हो सकता है कि एक दिमाग में कहीं उनका प्रभाव पड़ा हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक विशेष रूप से पहचाना जा सके कि ये फला नाटककार के प्रभाव में या फला तरह के शैली के प्रभाव में, तो मुझे उसका एहसास नहीं। अगर वो है गठन तो अच्छा आपको लगता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। नाटक लिखे, एक तो आपने बीकानेर में लिखा, एक दिल्ली में आकर के आपने हस्तनापुर लिखा, और लिखा या आधा लिखा लाए होंगे, ये सुधारा होगा, फैजल अलकाजी ने शायद किया था। इन दोनों तरह के लेखन में आपको क्या फर्क नजर आया? एक तो क्या आपको कभी नाटक मान लीजिए भानु नहीं किया तो क्या आपको देखने के बाद कभी अपने विचार में या उस द्वंद को जो आप पाना चाहते हैं आपको बदलने के लिए या थोड़ा सा रद्दोबदल करने की जरूरत समझी आपने क्या कभी? और दूसरा ये कि जो दूसरी तरह का कार्यशाला में लेखन हुआ इसमें क्या फर्क? देखिए, एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूंगा, नाटक पढ़ाओ मतलब ये नहीं था कि यहाँ बैठ करके लिखा, तो लिखे तो सब वही, और सभी नाटक ये आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सभी मतलब एक अजीब सी मनस्थिति मेरी उस समय बनती है, सभी नाटक तीन चार दिनों में लिखते हैं। लिखने का जो पहला ड्राफ्ट बना है वो तीन चार दिनों का बना है, फिर कभी कभी सुनाया गया मित्रों को, कभी नहीं भी सुनाया गया, और थोड़ी बहुत ही मामूली से परिवर्तन मैं समझता हूँ कि उसमें कोई दूसरा एक मैं ये कभी मुझे किसी निर्देशक के साथ काम करते हुए ये नहीं महसूस हुआ कि उसने कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन उनमें करना चाहा, रद्दबदल करनी चाहिए या मेरे सामने इस तरह की डिमांड रखी। बहुत कम मेरे ख्याल से दो चार दस संवाद को ऊपर नीचे हुए होंगे या कहीं कुछ जोड़ने को कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जब मैं ये जिलेसवानी हो रहा था उस समय मुझे राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसमें वो उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि इसमें एक करेक्टर जो है वो दो रोल कर रहा है और वो एक ऐसा करेक्टर जो एक सीन के आखिर में आखिर तक है और दूसरे सीन के शुरू में भी है। ये उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको दो करेक्टर के लिए एक ही आदमी मिल रहा था, तो बोले तुम क्या इसमें दो चार डायलॉग ऐसे डाल दो एक मिनट मिल जाए हमको, उन्होंने कहा कि ये दाढ़ी लगा ले या दाढ़ी उतार दे मतलब अपना दूसरा मेकअप करके आ जाए। तो मैंने कहा ये इससे थोड़ा लूज हो जाएगा, मतलब मेरा ये था, तो मैंने कहा यार एक मिनट में कुछ नहीं होगा, हमारी मुश्किल ही हो रही, देख लो अगर हो सकता है। इसी तरह से एक आध जगह तो एक दो डायलॉग इस तरह के जोड़े गए या कुछ सूचना उन्होंने चाहिए, जैसे जब ये गुलाम बादशाह हुआ तो मेरे ख्याल से कार्यशाला में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब वो किया जा रहा था तो फैजल ने मुझे कहा कि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको तो लगती है कि बिल्कुल ठीक आपको है, आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ऑडियंस के लिए ये सूचनाएं होनी जरूरी है। तो मैंने कहा कि सूचना नाटक के डायलॉग में कैसे दे सकती है और क्या जरूरत है उसकी देने की, ये तो अपने आप आगे जाके स्पष्ट हो जाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं इससे हम लोगों का हमारे एक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो मुश्किल से ऐसा हुआ होगा कि पांच सात डायलॉग केवल सूचनात्मक अलग अलग जगहों पर जोड़े गए हैं उनके अंदर, जो बाद में मैंने हटा भी दिए जब वो छपा, तो वो ये था कि भाई ये इसलिए ज़रूरी है कि ये सूचनाएँ मिल जाए। और तो इस तरह के रद्दोबदल तो हुए मतलब, लेकिन ये मूल मंतव्य में या उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नाटक के कोई परिवर्तन हुआ हो, किसी करेक्टर में कोई परिवर्तन हुआ हो, जैसे बापू जब लिखा और मैं यहाँ भानु को सुनाया आकर के और जो बातचीत थी तो उसमें कहीं कहीं ये डायलॉग थोड़ा सा छोटा हो तो ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो रहा है कहीं, तो इस तरह के कुछ परिवर्तन स्वयं भानु ने ही उसमें से कुछ एडिट किया, लेकिन कोई बुनियादी परिवर्तन जिसे हम कहें जिससे कि मेरा मंतव्य बदल जाए या मेरा नाटक का स्ट्रक्चर बदल जाए, उस करेक्टर के प्रति मेरी अप्रोच बदल जाए, या देखने के बाद मुझे लगा हो कि नहीं इसमें मुझे बदलना चाहिए, ऐसा मुझे कभी और ना ऐसा मुझे किसी निर्देशक ने मिले या किसी एक्टर ने मिले कहा। प्रश्न की बात थी इसलिए मैं परहेज कर रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया मैं जरूर करना चाहूंगा। जो ओम जी ने कहा कि आप नहीं ऐसा नहीं बात अलग होता है, प्रतिक्रिया अलग होती है, प्रतिक्रियावादी तो मतलब ये जो कीर्ति सवाल कर रही हैं गठन का, जिसका मुझे लगता है कि
एक चीज जिस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए वो ये कि हिंदी में अधिकतर नाटककारों ने अभिनेता के कर्म पर बहुत कम विचार किया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी नाटककार ने अभिनेता को लेकर के हिंदी नाटककार ने कोई विचार उस तरह से किया है जिस तरह से नंद किशोर ने किया। और क्योंकि अभिनेता रंगमंच की मूल इकाई है और वहां से जब वो किसी स्थिति को पकड़ते हैं तो उनके सामने एक निश्चित अभिनेता का वो कर्म, वो अभिनेता एक जीवंत रूप में उनके सामने रहता है। और इसीलिए मैंने बहुत सारे नाटककारों के नाटकों में बहुत रद्दबदल किए, स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा किए, लेकिन इनके नाटक में मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद क्योंकि अभिनय कर्म को लेकर के जो सचेतता इनमें है एक नाटककार के रूप में, इसे रेखांकित किया नहीं गया बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है उस वो वजह है कि स्ट्रक्चरल वो उसका जो गठन है नाटकों का वो हमें लगता है कि वो बहुत सही है। और वो मतलब जो जवाब उन्होंने दिया तो उससे मुझे लगा कि वो कहते हैं मेरा जर्नलिस्टिक राइटिंग में भी वही गठन है। मुझे लगा कि वो ठीक बात नहीं है, वो नाटक का गठन और वो एक डिसिप्लिन की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वजह है कि वो गठन इनके नाटकों में हमें देखने को मिलता है। इसमें से निकाल लेता हूँ, मेरा कुछ रोजगार ही ऐसा है। एक तो आपके बारे में ये माना जाता है कि आप और भी कुछ नाटककारों की तरह इस मामले में बहुत अड़े रहते हैं कि उसमें निर्देशक को संशोधन नहीं करना चाहिए, नहीं जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है उसका पालन निर्देशक करे। और इन्होंने कहा कि मैंने तो कई नाटकों में इतना रद्दबदल कर दिया है, तो आप कभी किसी नाटक में मान लें अगर इनको जरूरत पड़ती तो आप इनको छूट देते या किसी और निर्देशक को आप कितनी छूट देंगे? मतलब सवाल तो ये रद्दबदल। मैं समझता हूँ इस विषय पर तो मैंने नटरंग के एक अंक में लिखा भी था, ये मेरा स्वाभाग्य रहा है कि किसी भी निर्देशक के साथ कोई कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, इस तरह का ना कोई डिमांडिंग पुस्तकों का एटीट्यूड रहा और ना मुझे ऐसा कुछ करना। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दरअसल इसको इस तरह सोचना ही नहीं चाहिए कि लेखक क्या करना चाहता है और निर्देशक क्या करना चाहता है। इसको सोचना इस तरह चाहिए कि एक एस्थेटिक रचना हो रही है, उस एस्थेटिक रचना के अंदर अगर कहीं एक ऐसा सुझाव है जो उसकी एस्थेटिक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है, उसके इम्पैक्ट को बढ़ाता है, तो उसको मान लेने में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप दोनों मिलकर के जैसे अभिनेता और निर्देशक मिलकर काम करते हैं वैसे ही नाटककार और निर्देशक भी मिलकर काम करें या नाटककार और अभिनेता भी मिलकर काम करें, अगर वो एक टीम वर्क है तो उसमें वो शामिल है। लेकिन अगर वो इसलिए कि वो उस विचार से सहमत नहीं है जो उस नाटक में कहीं आ रहा होगा या अगर वो उस चरित्र से ही सहमत नहीं उसको ही बदल देना चाहता है तो मैं उसको करना, अन्यथा तो ये एक मिली जुली बात है और इसमें कोई संकट होने नहीं चाहिए। इससे एक सवाल ये उठता है कि आपने नाटक लिखा तो वो एक शब्द है आपके सामने आ रहा है, आप कितनी भी कल्पना करेंगे निर्देशक की कल्पना से जरूरी नहीं है कि वो मेल खाए या खाता हो। क्या कभी किसी निर्देशक की परिकल्पना ने आपको इतना उत्तेजित या प्रेरित किया है कि मैं शायद ऐसा लिखता तो बेहतर होता? देखिए एक तो जब आप एक शब्द अभिनय है नहीं, नहीं उस तरह से मेरा कहने का नहीं, नहीं देखिए मैं क्योंकि मैं शब्द नहीं लिख रहा हूँ, विजुलाइज मैं शब्द नहीं लिख रहा हूँ, मैं अभिनीत किया जाने वाला शब्द लिख रहा हूँ, मैं अभिनय ही लिख रहा हूँ, मैं शब्द नहीं लिख रहा। और जब मैं अभिनय लिख रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि एक वो विजुलाइज होता है शब्द में। अगर मैं कई दफा कहता हूँ अगर वाचिक अभिनय है तो सुनना देखना क्यों नहीं, तो इसलिए एक तरह से इसको इस तरह लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग चीज कर रहा हूँ जिसको कि निर्देशक, लेकिन मेरे शब्द को उसको बदले बिना
अगर उसमें निर्देशक कुछ ऐसा नया आयाम निकाल पाता है, हो सकता है कि मैं उससे सहमत न हूँ, हो सकता है कि वो मेरे नाटक को कमजोर करता हो या बढ़ाता हो, तो मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करता, क्योंकि उसने उस शब्द में से अपना एक अर्थ निकाला है और वो वाजिब अर्थ है उसका, उसको उसकी क्रिएटिविटी इसी में है कि उसमें से अपना अर्थ निकाले। जैसे मैं एक कथानक को लेता हूँ उसमें से एक अपना अर्थ बरामद करता हूँ, उस तरह से उसे भी इस बात की छूट है कि वो, इसलिए आप देखेंगे मैं जो कथानक भी लेता हूँ उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं करता। आप देखेंगे जो जो कथानक जिस तरह बढ़ रहे थे, इतिहास की जो घटनाएं जिस तरह बढ़ रहे थे, उनमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं, उनमें से मैंने कुछ अपनी तरफ से निकालने की कोशिश की। मुझे अभी तक मेरे नाटकों को लेकर मैं कह सकता हूँ अभी तक ऐसा नहीं लगा उनको देखते हुए कि निर्देशक की इस कल्पना से मुझे कुछ नया सोचने को मिला किसी भी निर्देशक। नंदीश्वर जी, लेकिन कुछ निर्देशकों के और काम देख करके लगा है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब ये कुछ सोचने को प्रेरित करता है। आप मुल्तान कवि हैं, मैं मुल्तान ना सही नहीं सही तो हिंदी में ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत कम कवि, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती इत्यादि को छोड़ दें, गे ने भी एक नाटक लिखा, लेकिन ज्यादातर कवियों ने नाटक नहीं लिखा, नाटक क्यों नहीं आए। आपके कवि होने में, यानी कविता के भाषा पर आपके अधिकार होने में, आपकी कोई मदद नाट्य लेखन में की है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, लगता है कि काफी की है। मुझे लगता है कि मैं ध्यान रखता हूँ नाटक में को होना चाहिए, वो शायद कविता के मेरे अनुशासन से ही आया, और भाषा को लेकर के भी जो खुलापन नाटकों में है वो भी। और कोई सवाल होगा? पर एक बार फिर सबकी जानकारी के लिए कि ये कहा भी गया और हम लोगों ने जब भी पढ़े हैं कि आपके नाटक ज्यादातर कथानक जो है उसका वो पौराणिक या ऐतिहासिक, तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने सोचा, एक तो इतिहास का तो मैं विद्यार्थी रहा, अध्यापक रहा, तो जिंदगी भर इतिहास पढ़ाता रहा, वो घटनाएं ये सब चीजें तो दिमाग में घूमती रहती। पुराणों की कहानियां, मतलब बहुत से मित्रों को आश्चर्य होता है, सर 13-14 वर्ष की उम्र तक मैं मूल में मतलब सारी पुराण और रामायण महाभारत इत्यादि कर चुका था। मेरे घर में ननिहाल में प्रत्येक रिलीजियस फैमिली थी, उस तरह का ब्राह्मण परिवार था, तो और वे सब कथाएं और मुझे बहुत आकर्षित करती थी, तो वो आकर्षण अभी तक है। मतलब उसके, हो सकता है उनके उन अर्थों के प्रति आकर्षण ना हो जो जिससे वो लोग सहमत होते थे, जो मुझे सुनाते थे, या मैं पढ़ पढ़ कर भी सुनाता था अपने नाना को ये सारी कहानियाँ कथाएं, तो इसलिए वो और इतनी दफ़ा पढ़ी कि वो वैसे भी घूमती रहती है दिमाग में। तो शायद जब कोई दृश्य मुझे दिखाई देता है उनमें और कुछ नाटक लिखने का मन होता है, तो स्वभावतः उधर, कोई बहुत सोच के ऐसा नहीं है, स्वभावतः ही चला जाता है। और उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं कि मैं कोई, जैसे लोग कहते हैं अतीत को जीवित करना चाहते हैं, वैसा वैसा कुछ मेरा आइडिया कभी रहा नहीं, पर वे घटनाएं और वे चरित्र मुझे लगातार प्रभावित करते रहते हैं और इस वजह से उनकी तरफ ध्यान जाता है। ये कहा जाता है कि नाटककार की असली परीक्षा तो कॉमेडी लिखने पर होती है, तो आप इस परीक्षा में कभी उतरना चाहते हैं क्या? मेरा ख्याल है कि जो नाटक तुमने किया, किसी और का सपना, उसमें तो आंसर ही, और जो पागल घर और जूते, आंसर कॉमेडी नहीं, बहुत शेक्सपियर वाला कॉमेडी नहीं। मैं एक सवाल ये पूछ, आपको याद होगा कैथेड्रल जैसा एक ऐतिहासिक वृत्तांत पर आधारित नाटक लिखा, और फिर धीरे धीरे उसने समकालीन जिंदगी के बारे में सीधे नाटक लिखे जिसमें किसी पुराण कथा या इतिहास कथा का सहारा नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें एक सहूलियत है पुराण कथा इतिहास कथा में कि कुछ तो कविता उसमें पहले से ही अंतर्भूत होती है और स्मृति में भी होती है, तो आपको उसमें थोड़ी शायद कम मशक्कत करनी पड़ती होगी, ऐसा अंदाज है। लेकिन अगर सीधे सीधे, मतलब मैं इसको आप पहले सवाल से जोड़ कर पूछ रहा हूं कि हिंदी कविता ने ऐसी बखान की और चरितार्थता दोनों की, ऐसी भाषा और ऐसे मुहावरे और शैलियां विकसित की हैं जो मंच पर बहुत सशक्त ढंग से प्रस्तुत हो सकती है, इसलिए अपने कविता भाषा के अनुभव का उपयोग करते हुए क्या आप कभी
सीधे समकालीन जीवन पर कोई नाटक लिखने की बात सोचते हैं? मेरा ख्याल है कि जैसे पागल घर जो नाटक था वो किसी इतिहास के कथानक पर या किसी पौराणिक कथानक पर नहीं है, वो एक तरह से समकालीन जो राजनीतिक हमारी त्रासदी है उसी की तरफ इशारा करता है। और उसमें मुझे लगता है कि कविता भाषा की बहुत मदद मुझे मिली है। तो ऐसा नहीं कि उस तरह का नहीं लिखा गया है, लेकिन ये पूछा गया आपने ज़्यादा वक्त क्यों लिखे, तो मैंने उसका उत्तर दिया। और ये तो मन में रहता ही है कि कुछ और ऐसा किया जाए जो बिल्कुल सीधे सीधे समकालीन जीवन से जुड़ा हुआ हो। अब कब होता है ये तो नहीं जानता, कि होता भी है नहीं होता ये नहीं जानता, लेकिन रहता। पर ये बात निश्चित है कि कविता बहुत मदद करती है नाटक लिखने में। कविता में क्यों नहीं ज़्यादा लिखे ये तो मैं नहीं जानता, और कुछ कवि हैं जो अभी भी नहीं लिख रहे हैं लेकिन कविता की भाषा या काव्य का अनुशासन नाटक लिखने में बहुत मदद करता है, इसमें कुछ नहीं। मेरे निजी अनुभव से पीछे से कोई सवाल नहीं आ रहा, सब आगे आगे बैठे हुए जान साहब, कोई प्रतिक्रिया? दो लोग मैं सोचता हूँ ऐसे बैठे हैं, और मैं अगर आग्रह करूँ और तो इस बातचीत में थोड़ा सा एक शिरकत करें तो इसकी सार्थकता बढ़ जाए, तो अंकुर जी और राजेंद्र नाथ जी, क्योंकि और उसके बाद में नहीं तो मेरे पास है तो पूछ ही लूंगा, क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना ही। अंकुर जी और मुझे लगता है आचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रख दिया, फिर भी बहुत मतलब सादे से सवाल है, सवाल क्या वो प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नाटककार जब खुद हॉल में बैठकर अपना नाटक देखता है, अपनी ही रचना को किताब में पढ़ने का अनुभव तो एक अलग तरह का हो सकता है, नाटक को सबके साथ देखने का उसका अनुभव कैसा होता है ये सचमुच में मतलब मुझे हमेशा जानने की इच्छा होती रहती है। और एक दूसरा थोड़ा सा देहांतर वाले नाटक के बारे में, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति मैंने भी देखी, भानु ने ही किया था इधर पिछले साल, उसमें जो ये आती की पत्नी, मुझे लगता है कि नाटक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, या कि शायद संपादित किया है या इतना ही है मुझे ठीक से याद नहीं है, उसको शायद एक दृश्य और दिया जाता, उसका कहीं कोई क्वेश्चनिंग अपने हस्बैंड के साथ नहीं आता। तो शर्मिष्ठा की हाइलाइटिंग तो अच्छी है और तो होना भी चाहिए, लेकिन वो जो नई व्यहता आई है जो शायद गिरीश कार्नाड वाले नाटक में काफ़ी हद तक उस सही बहस को आगे बढ़ाती है कि तुमने तो निर्णय ले लिया लेकिन मेरे बारे में क्या, तब शायद आप किसी दूसरे एंगल से भी देखते तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आता है, ये मेरी अपनी उसके बारे में सोच है। न्यास को पढ़ते हुए महसूस होता है, वो नाटक को पढ़ते महसूस नहीं होता है, तो इसलिए अपने आप में एक नाट्यानुभव पढ़ने से भी प्रसिद्ध होता है, इसमें तो कोई शामिल नहीं। लेकिन नाटक को होते हुए देखना मंच पर और लोगों के साथ बैठ के या सबका है, वो निश्चित रूप से एक विशिष्ट अनुभव है। वो उस अनुभव का कोई कोई तुलना उस अनुभव से नहीं हो सकती जो कि बढ़ते हुए होता है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं हो सकती। और मुझे भी कई दफ़ा ये लगा है कि जो जैसे मैंने कहा कि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ या जो मैं लिख पाया हूँ वो कहाँ तक ठीक है कहाँ तक ठीक नहीं तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हुआ हुआ है मंच पर मुझ तक जो प्रेषित हुआ वो मुझे बहुत संतुष्ट करता है। ये जो सवाल आपने किया शर्मिष्ठा वाला, ये वैलिड सवाल है, लेकिन दरअसल उसकी ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं महसूस हुई। ऐसा और भी एक दो मित्रों ने कहा कि ये क्यों नहीं हुआ आमने सामने उनके बीच में, एक तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अवास्तविक हो जाएगा, मतलब शुरू से एक नाटक की जो पूरी पूरा विकास जिस तरह से हो रहा है, जिसमें शर्मिष्ठा अलग से अपने तकलीफ को लिए हुए और आखिर तक उसको पति के सामने व्यक्त नहीं करना चाहती है, वो अगर करेगी तो एक दूसरे स्तर का चरित्र हो जाएगा। और दूसरा ये कि उसमें एक चरित्र है बिंदुमती का, जो
वे सारे सवाल करती जो कि शर्मिष्ठा कर सकती थी। तो वे सारे सवाल एक तरह से आते हैं नाटक के अंदर, और वे सवाल शर्मिष्ठा के माध्यम से नहीं आते लेकिन बिंदुमती के माध्यम से आते हैं, और वही सारी बातें बिंदुमती के माध्यम से समझ में आती है ययाति के कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, जो कुछ त्रासदी हो गई उसमें कितना बड़ी जिम्मेदारी मेरी रही है, ये बिंदुमती के सवालों से उसकी समझ में आती है। तो एक बिंदुमती का चरित्र जो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया वो उस मैं समझता हूँ उस आवश्यकता को पूरी करता है, मेरी राय है, जो शर्मिष्ठा के सवाल करने से पूरी होती है। से भरा हुआ प्रश्न है, एक पुस्तक है जो मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन उसका एक श्लोक मुझे कहीं पढ़ने को मिला था बहुत साल पहले, पुरुष परीक्षा। तो उसमें श्लोक है कि सारण्यानी बिटप बिटपी हंत सैव स्थलीयम, बिरही राम का संवाद है कि वही मैं राम हूँ, वही ये चित्रकूट का मंत्रांत है, वही वृक्ष है और वही वो जगह है, लेकिन सीता नैव स्पृशति हृदयम सो हमेवास्मि रामः, वही मैं राम हूँ। इसका अभिनय करने वाला जो नट था, एवं कांता विरह विचरण राम तादात्म दग्धो नृत्यावेशन मुनिरिव नटो विष्णु सायुज्य माप, वो जो नट था इतना अभिनय में जो पॉइंट फीलिंग थी विरह की, इसमें इतना तादाद में स्थापित कर लेता है वो कि वहीं उसका प्रारंभ हो जाता है। सवाल क्या है? तो विष्णु सायुज जो उसने प्राप्त की, तो मेरा यहाँ जिज्ञासा ये है कि आपके जो इस तरह के पात्र हैं जो ट्रेजिडिक सीन वाले हैं, उनका इस नाट्य धर्मिता के प्रति सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं? किया नहीं किया ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किया हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं मानता हूं कि नाट अभिनय एक साक्षी भाव की साधना है, और मैंने अपने पुस्तक नाट्यानुभव में इस बात को बार बार अलग अलग तरह से कहा है। उसमें जो यानी एक चेतना का एक स्तर है जो एक एक चरित्र के साथ एक होता है, एक चरित्र की चेतना के साथ एक होता है, और एक और चेतना है जो अपने को वैसा होते हुए देखती है। तो ये अपने को वैसा होते हुए देखना ये सृष्टा होना है, क्योंकि हम अपने को ही रचते हैं। यानी अगर आप आध्यात्मिक उसमें भी जाएं तो ब्रह्म अपने को ही रचता है इन सारे रूपों का। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक अभिनेता अपने को ही रच रहा है एक दूसरे चरित्र के रूप में, और अपने को उस चरित्र के रूप में देखना उसकी लीला है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति इस साक्षी भाव के माध्यम से संभव होती है, और साक्षी भाव से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई आध्यात्मिक साधना हो सकती है। अब आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके बाद मुझको जो इसका समापन करने का काम भी करना है, पर मैं चाहता था जब मैंने राजेंद्र नाथ जी का नाम लिया, आचार्य जी ने अपनी किताब नाट्यानुभव में एक दिलचस्प बात रखी है, उस पर अच्छी बहस हो सकती है, और खासकर निर्देशक और नाटककार के बीच में थोड़ा बहुत द्वंद्व तो रहता है, लेकिन आचार्य जी ने उसमें स्थापना की है कि नाटक अंततः तो भाषा का माध्यम है और निर्देशक तो उसको सिर्फ खेलता है, और उस वहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में बहुत से निर्देशक भी शायद कि ये कहते हुए, चूंकि वो बार बार पुस्तक में ये बात आती है कि जो निर्देशक हैं उनकी जगह और नाटककार की जो जगह है, तो मूलतः चूंकि वह नाटक अपने में भाषा की विधा है, एक अहम विधा है, और उसको निर्देशक तो सिर्फ खेलता है, और नाटक को पढ़ा भी जा सकता है खेला भी जा सकता है, आपने बताया कि उसके दोनों उसमें रस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ खेलता है निर्देशक, इससे नाटक की अपनी अहमियत कम नहीं हो जाती, क्योंकि मूलतः तो वो भाषा का माध्यम है। अब इसमें यह है कि थोड़ा सिनेमा और नाटक दो अलग विधाएं हैं, उनकी आप तुलना नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसलिए उदाहरण सामने ले रहा हूं कि वहां पर भी एक पटकथा काम करती है, चाहे उपन्यास की पटकथा सिनेमा के लिए इस्तेमाल कर ली जाए या पटकथा फिल्म के लिए तैयार की जाए, लेकिन इतनी सारी चीजें उसमें शरीक होती हैं कि उसके बाद में एक दृश्य का
संपूर्ण माध्यम जो है वो आपके सामने अवतरित होता है। ठीक उस तरह तो नहीं, लेकिन नाटक भी दृश्य का माध्यम भी है और उसमें अभिनय भी, निर्देशन भी, प्रकाश भी, चुप्पियां भी, तो वो अपने आप में एक संपूर्ण माध्यम, उसको क्यों न मान लिया जाए और उसको भाषा का माध्यम नाटक को कह करके और निर्देशक उसे निर्देशित करता है, तो कहीं ये तो नहीं कि मतलब आप निर्देशक की या रंगमंच की जो अहमियत है उसके मुकाबले थोड़ा उसको कम करके देखते। मुझे लग रहा है कि इस उस किताब से अगर ये मंतव्य निकलता है तो शायद उसे थोड़ा गलत, क्योंकि मैंने साथ ये भी लिखा है कि भाषा अभिनय है। उसी में एक उसी किताब में एक छोटा सा लेख है जिसमें दो नाटकों का उल्लेख मैंने किया है, उसके ऊपर एक टिप्पणी की है नाटकों, लेकिन उसका शीर्षक रखा है कि भाषा अभिनय है। तो मैं ये मानता हूँ कि नाटक मूलतः अभिनय है, अगर वहाँ भाषा भी है तो वो अभिनय के रूप में भाषा है, वहाँ वो उपन्यास की भाषा नहीं है, वो किसी कहानी की या किसी लेख की भाषा नहीं। तो जब मैं कहता हूँ वो भाषा, और अगर आप ये माने कि भाषा का माध्यम का मतलब है कि कुछ भी आप लिख देंगे तो नाटक हो जाएगा, ये तो नहीं। तो इसलिए वहाँ अगर आप क्षम भाषा लिखते हैं तो वो नाटक, तो इसलिए भाषा अभिनय है, यही उसका शीर्षक। और एक नाटककार इतना ही कर सकता है कि वो उस भाषा में वे सारी संभावनाएं विकसित करने की, तलाश करने की कोशिश करे जो भाषा के माध्यम से हो सकती है। उसके बाद का काम तो निर्देशक का है, और मैं ये नहीं मानता कि वो कम महत्वपूर्ण काम है, वो उतना ही महत्वपूर्ण काम है, बल्कि कई बार हो सकता है अधिक महत्वपूर्ण काम, कई बार हो सकता है कम महत्वपूर्ण काम, अगर उसने ठीक तरह से उसको नहीं समझा और ठीक तरह से उसको नहीं प्रस्तुत किया। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि उस काम को कैसे किया है, लेकिन ये नहीं कि निर्देशक, अब ये अगर निर्देशक काम सिर्फ इतना ही उसको खेल दे, ऐसा तो वाक्य शायद मैंने नहीं देखा। ये आपने उसमें से अपना प्रयास निकाला। मैं तो चूंकि मैंने बताया कि पत्रकार हूँ, हम लोगों का तरीका सवाल पूछने का ऐसा ही होता है कि थाने में फोन करके कहेंगे क्यों भी आज 12 केस दर्ज हुए हैं, अगर किसने कहा आपको इस तरह के रोज आपके अखबार में फालतू खबर, आज तो सिर्फ 2 केस हुए हैं, हमें पता चल जाता है कि 2 ही केस दर्ज हुए हैं तो उसमें जो कहा है वो तो छपा हुआ है। पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मकसद था इस सारी बातचीत का मेरे ख्याल में कि आचार्य जी का एक नाटककार के पीछे का जो एक बौद्धिक विचारक का जो चेहरा है, जो स्वरूप है, वो सामने आए, और ये अपने आप में जिस तरह का स्वरूप है पूरी बातचीत का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेखक अपने बारे में हमेशा बात करना चाहता नहीं है और संकोच के साथ इसे, लेकिन आचार्य जी ने जो अपनी रंग यात्रा के बारे में जो चीज़ें सामने रखी और उसके बाद में सवाल जवाब से और खुलासा हुआ, मेरे ख्याल में आज की शाम जो है आपको भी अनुभव हुआ होगा कि खराब नहीं गई। जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि मूलत तो वो कवि हैं, और चाहे कविता संग्रहों से उनके नाटकों की तादाद भले अधिक हुई हो और इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वाचन जी ने 3 उपन्यास लिखे थे, लेकिन वो बराबर कवि और कथाकार इस तरह से कहे जाएं, और उनके कविता संग्रह भी अगर हमने याद दिलाए तो हो सकता है कि इस वर्ष में 1-2 कविता संग्रह और हो और नाटक और कविता में योगदान बराबर हो, तो ये तो आने वाले वक्त में लोग ही इसका हिसाब लगाएंगे कि मूर्त कवि थे या नाटककार थे या इनका बड़ा काम किसमें था। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ऐसी कौन सी विधा है जिसमें इन्होंने हाथ या पाँव नहीं आजमाया है, शिक्षक तो हैं ही, शिक्षा शास्त्री भी हैं, मुजाफर भी हैं और विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, लेकिन नाटक के क्षेत्र में मुझको व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी हुई कि 30 साल पहले जब मुझको एक मौका मिला कि मैं इनके नाटक का निर्देशन करूं, और आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर इनका नाटक खेला जाता है, और उसमें अंकुर जी ने जो पूछा बहुत ही अच्छा सवाल कि मतलब इनको कैसा लगता है, तो किसी को ये तो है कि अच्छा लगता है कि कहीं कोई नाटक देखा जाता होगा, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से व्याख्या की कि एक जो सामूहिक अनुभव है वो वैसा ही अनुभव आचार्य जी को हम विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे लिए भी अनूठा होता है जब हम लोग आपका नाटक देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सवाल पूछे उनका भी और जिन्होंने चुप्पी धारण की रखी उनका भी, क्योंकि दोनों चीज़ों का इसमें बड़ा योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद।